हाँ मेरे बंधु एंड बंदियों, है ना, सभी को, सभी को क्या, चल क्वेश्चन बना। आगे मैं चलूं? देखो मैंने एक बात बोली थी, है ना, पहले समुद्र का गहराई से कुछ निकालूंगा, फिर तालाब में तैराऊंगा, फिर कहाँ ले जाऊंगा, समुद्र में ले जाऊंगा। मैंने क्या बोला था, पहले समुद्र के गहराई से कुछ निकालूंगा, फिर तालाब में सिखाऊंगा, फिर तालाब से कहाँ ले जाऊंगा, समुद्र में। इसको बोलते हैं स्पॉनिंग बायोलॉजी के लैंग्वेज में, वो समझ सुनना है ना। तो याद रखना मैं यहाँ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास में छोटे बस इंजेक्शन वगैरह कराने के लिए, जितना भी जैसे बताऊंगा गारंटी एक क्वेश्चन नीट और जेई में रहेगा, एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। मान के चलो 25 क्वेश्चन है ना जेई में, एक कंपलसरी है, 45 में तो भाई एक तो लिख लो एकदम इस टॉपिक से। इसी कारण मैं क्या बोला, फिर से मैं कुछ उनकी गहराइयों से कुछ बात बीच का बताऊंगा, आज के क्या बताऊंगा, जो कल बताया था वो टॉपिक से कंटिन्यूस नहीं रहेगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट का ही रहेगा, पर जो भी चीजें रहेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और जब मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आएगा ये सब क्यों होता है और ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ग्राफ में मैंने बताया था y इक्वल टू x कर दिया था ना, आप लोगों को तो सीधे सा बता दिया ऐसे ग्राफ होता है, पर ये तो बाद में पता चला ना इसका कैसे होता है ऐसे, उसी तरह आज मैं हर चीज बता दूंगा। बेसिक जितना बोला जाता है, जितना खिचड़ी बनाया जाता है 20-30 लेक्चर ये सब का, उतना हो सकता है आज लगभग मान लो ना चैप्टर का जो जान है ना मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ आज इस लेक्चर में, और जो कल एटम और मॉलिक्यूल पे आयन जो तीनों बताया था उसको कंटिन्यूस कल का लेक्चर से रहेगा। आज मैं क्या डाल रहा हूँ, चैप्टर का जान डाल रहा हूँ, मतलब समुद्र का गहराई डाल रहा हूँ, इसी को पूरा चैप्टर में पढ़ना है। चलो मैं शुरू करूँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट का फर्स्ट थिंग मोल बताने वाला हूँ, एकदम पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पर आज बस क्या डाल रहा हूँ, जान डाल रहा हूँ चैप्टर में, मोल बताऊंगा, मोलरिटी बताऊंगा। कहाँ से बता रहा हूँ, बीच से क्यों उठा रहा हूँ, समुद्र का गहराई से निकालूंगा, फिर तालाब में सिखाऊंगा, फिर कहाँ रख दूंगा, समुद्र में जाकर रख दूंगा, फिर तैरते रहना वहाँ पे, है ना। मोर मोलरिटी मोलरिटी और मोलरिटी और क्या बताऊंगा, नॉर्मलिटी, हाँ नॉर्मल, दो नंबर, तीन नंबर सिस्टम, दो नंबर, ये दो नंबर ही थे गलती से, ये सर्कल किया ना मिल गया उसी के साथ, एक दो तीन चार नॉर्मेलिटी है ना, फिर छोटा छोटा चर्चा करूंगा, पर इतना करूंगा कि क्वेश्चन बनवा दूंगा यहाँ पे नीट का। मोल मोलरिटी मोलरिटी नॉर्मेलिटी मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन, पहले इतना ही डिस्कस कर लेते हैं, यही सब पता है चैप्टर का। मैं क्या डालने वाला हूँ, जान डालने वाला, क्या डालने वाला चैप्टर का, जान, है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जान। शुरू करूँ तो मैं स्टार्टिंग मोल से करते हैं, किसे करते हैं, मोल से। सब इस टॉपिक को बहुत ब्रांड बना के रखा है, मैं देखता हूँ कितना ब्रांड है ये, है ना, मोल मतलब इतना बड़ा भाई, जितना जेई नीट एडवांस में होता तो एप्लीकेबल होगा, हालांकि मैं थोड़ा सा बताऊंगा फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, है ना। मोल क्या होता है, दिया हुआ मास बाय ओरिजिनल मास, बाय क्या, ओरिजिनल मास, यही होता है मोल का फॉर्मूला, दिया हुआ मास बाय ओरिजिनल मास, ठीक है। सोडियम ओरिजिनल मास का कितना है, 23 है ना, सब बोलते हैं 23 है ना, 23 ग्राम 23 AU लिखा हुआ है ना, मैं बोला ना फिर से आज कि मैं समुद्र का गहराई से मैं कुछ निकाल रहा हूँ, है ना, खाली लिख देते हो, ये तक पढ़ते भी हो, इसका 23 होता है, पर अगर यही चीज मैं पूछ दूँ ये रिलेटिव मास है कि क्या है, इसका नाम डिस्कस वो सब नहीं कर, बोले सीख ले, बोले क्या कर, सीख ले, उसके बाद मैं बताऊंगा ये 23 का मतलब क्या क्या होता है ना, 23 यू क्यों लिखते हैं, कब जी लिखते हैं, कब ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं, वो सब एकदम बोलता है कंफ्यूजन टॉपिक है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बोले सीख ले पूरा, क्या कर ले, सीख ले, उसके बाद चलेंगे तो मजा आएगा, चले तो आगे चलो, तो अभी 23 ही मान, बस मैं 23 बोला मतलब 23 ही मानना है, ठीक है। सोडियम का मास कितना है ओरिजिनल, 23, हम बोलेंगे 4 ग्राम दिया हूँ, किसका, सोडियम का, किसका ग्राम दिया हूँ, 4 ग्राम, बोलेंगे उसका मोल निकाल के दिखा, 4/23 दिया मैंने कितना, 4, और ओरिजिनल कभी बताया नहीं जाता है ना, ओरिजिनल कभी बताया नहीं जाता, बता देता अलग बात है, 4 ग्राम / 23 सही क्या हो जाएगा मोल, इतना छोटा सा कौन सा, इतना प्यारा सा, 4/23 यही है मोल, दिया हुआ बाय ओरिजिनल, दिया हुआ बाय है ना, और इसको कोई दिक्कत, सोडियम 46 ग्राम, फाइंड द मोल ऑफ सोडियम और 46 ग्राम, कितना ग्राम, 46 ग्राम, मैंने दिया कितना मास है, 46, हम क्वेश्चन में ये हमेशा दिया जाएगा, दिया हुआ समझे ना, 46, और ओरिजिनल मास कितना है, 33, मोल कितना आ गया, 2 आ गया, इतना आसान है मोल,
ठीक है तो नहीं आया समझ में? दिया हुआ कितना है 46 ना, और ओरिजिनल सोडियम का मास कितना है 27। दिया हुआ बाय ओरिजिनल, दिया हुआ बाय ओरिजिनल, मैंने दिया कितना है 46 और ओरिजिनल कितना है 27, 46 बाय 27 कितना मोल हो गया 2 हो गया। ठीक है तो आज चुटकी क्लियर, आगे चलू मैं? फोर ग्राम ऑफ एच टू सुना, 4 ग्राम दिया हुआ है ना, इसका ओरिजिनल मास कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हर जगह कितना है मास, एक होता है पर यहाँ पे 2 है ना, तो 2 हो जाएगा, एक होता नहीं, यहाँ एच टू कितना है 2 है ना, 2 हो जाएगा, आंसर क्या होगा 2 मोल, कितना हो जाएगा 2 मोल। आया कि नहीं समझ में अच्छे से एकदम? ओए समझ में आया तो? सेवेंटी वन ग्राम ऑफ क्लोरीन इसका मोल फाइंड करना है, 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन कितना ग्राम दिया हुआ मैंने 71, दिया हुआ मास 71 है ना, और क्लोरीन का होता कितना है 35.5 आंसर कितना हो जाएगा 2 35.70 लिख सकते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला, लिखेंगे भाई हमेशा इसी को, उसका 2 आइसोटोप होता है, मैं आऊँ मैं बोला ना आज मैं चैप्टर का बस जान डाल रहा हूँ, है ना, वर्ड पे मेरा ध्यान देना मैं क्या बोलता हूँ। 35.5 कितना हो जाएगा इसका 2 मोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 मोल। भाई एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ मोल किसका यूनिट है, केमिस्ट्री फिजिक्स सब तो लिंक है, जैसे किसका यूनिट है केमिस्ट्री तो सब पढ़ लेता इसका आंसर आज केमिस्ट्री में दिया, पर बेस्ट आंसर कहाँ पर फिजिक्स में, मैंने हर कोई पढ़ता है फिजिक्स में। मोल किसका यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेरी गुड, ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेरी गुड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल किसका यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसा यूनिट ऑफ, वेरी गुड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छुट्टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मोल है, क्या है, मोल है ना, लिंक ऐसे ही करने हैं सारे चैप्टर्स को, वेरी गुड। आज तो समझ में भाई, जब बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तब तीनों क्लियर हो जाएगा, समझ अच्छा ये चीज़ यहाँ ऐसा क्यों हो रहा था, तब लास्ट में जब मैं खत्म कर दूंगा ना सारे चैप्टर्स तब समझ में आने, दुनिया खुल जाएंगे इसकी, अभी तो खुली भी नहीं है। मोल का मतलब क्या है, दिया हुआ मास बाय ओरिजिनल मास, दिया हुआ मास बाय ओरिजिनल मास, क्या डाउट है किसी को, नहीं ना किसी को थोड़ा सा भी? मैग्नेशियम का 24 ग्राम ऑफ मैग्नेशियम कैसे पता मोल कितना होगा, एक हो जाएगा, दिया हुआ कितना है 24 और मैग्नेशियम का मास कितना होता है 24 बटे 24 कितना मोल होगा, क्या हार्ड है ये सब, ठीक है तो इसको मिटा दो ना फॉर्मूला को। लेक्चर नंबर कौन सा है, दूसरा, चलो बनाओ, देखना भाई मेरा तो पड़ेगा दूसरा तरीका अपनाता हूँ, उसमें में ज्यादा मजा आएंगे। जल्दी जल्दी सब निकाल, फटाफट निकाल, एकदम फटाफट निकाल, भाई एक साथ निकाल लिया, एक साथ निकाल, जल्दी से निकाल, एकदम निकाल, छुट्टी निकाल निकाल, चल निकाल निकाल, चल निकालिए। देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1, कार्बन का मास होता है 12, सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का मास होता है 35.5, चल निकालो, इसका 2 होता है ना, इसका बोला बाबू हाइड्रोजन का 1 होता है पर यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है पर 2 है तो 2 हो जाएगा ना, 2 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, हो गया सारा, चलो बहुत बढ़िया, पहला जो ठीक है तो 18 ग्राम एच टू दिए है ना, कितना ग्राम दिया हुआ है 18 ग्राम, मोल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं मोल 18 ग्राम, एच टू का मास 1 होता है, कितना एच टू है 2 है ना, कितना हो जाएगा 2, आंसर कितना आ जाएगा 9, दिक्कत कितना आ जाएगा 9। दूसरा 36 ग्राम ऑफ कार्बन दिया हुआ कितना है 36, पहला ये दूसरा 36 ग्राम, और कार्बन का मास मैंने कितना दे रखा है 12, बार किया 36, 3 मोल हो गया, आंसर आ रहा सबका ऐसे ही आ गया, आया रे फल। तीसरा ए बोलू 69,
दिया हुआ है, दिया हुआ मास भाई, ओरिजिनल मास भाई, इसका जो जो मास होता है वो ओरिजिनल बोल रहे हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ब्रांडेड अभी छोड़ रखते हैं। ये दिया हुआ कितना है, 69 बाय 23 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा है कि नहीं। चौथा 142 दिए हैं और इसका ओरिजिनल मास कितना, 35 बाय 2 है ना, ये 71 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 मोल, वेरी गुड, सब क्लियर है, एकदम हल बच्चा वाला चीज था, एकदम 1-2 क्लास का है कि नहीं, आए तो क्लियर। रे पठान आए तो समझ में, मैंने जो 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किए ना वो जेई और एडवांस के इसमें नहीं, टेस्ट में। आगे मैं चलूं, 10-12 लुक लुक को टोक के मैं यहाँ पे नहीं पहुंचा हूँ, 50-60 बुक बना के यहाँ4 liter of H2 1 bar pressure कितना होगा इसका मोल, फाइन मोल, मोल इसमें कितना होगा, फाइन मोल कैसे करेंगे, या तो ग्राम में नहीं दे रखा है, ग्राम में दे रखा है क्या, नहीं ना, चलो एक नया मोल का फॉर्मूला लिख, दिया हुआ लीटर, अब दिया हुआ लीटर कुछ नहीं करो, लीटर एक ही को है ना यहाँ पे, क्या करो बस लीटर करो, क्या करो लीटर बाय 22.4 ऑलवेज 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 22.4 ऑलवेज। देखिए कोई कोई बच्चा आपको बोलेगा कि हाउ सर क्या सर कहीं पे मैंने देखा 22.7 भी रहते हैं, ये कहाँ होगा ये कहाँ होगा, पर ज्यादा ऑप्शन में अगर डिफरेंस होगा तो जिसको मन करे उसको यूज कर सकता, पर नहीं ऐसा नहीं करना, इस क्वेश्चन में ना चारों में दे देता जानो उसके, 22.4 कहाँ यूज करेंगे, 22.7 यूज कर, इसका टेंशन छोड़ो, अभी 22.4 लेके सब बनाओ, अभी क्या लेके बनाओ सर, 22.4 मैं बता दूंगा कहाँ पे 22.4, मैं बोला बस जान डालने आया हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा, बस चैप्टर में क्या डालने आया जान के, हाँ भाई मैं सीख चुका हूँ कुछ, लीटर बाय 22.4 8 STP पे है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो दिक्कत है, एक होमवर्क में दूंगा ये कि 22.4 कहाँ यूज करते हैं और 22.7 कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, ये होमवर्क में रहेगा, किसमें रहेगा, होमवर्क में, मैं कल बताऊंगा इसको, पहली बार ये यूज करते हैं NTP पे, अब बताना, हाँ कुछ इसी तरह का है, एंटी पे में एंटी जब वन बार वन रिसर्च जब दे देता है तो उस टाइम 22.4 यूज करते हैं, अदर टाइम 22.7 और 22.7 अदर टाइम ले सकते हैं 22.7, लेकिन जब बोल देता है 180 उस उसके लिए अलग कंडीशन है, एक फोन लेंगे वहाँ पे तभी 22.7 लेंगे, समझा ना, अगर होमवर्क है कि 22.4 कब यूज करेंगे और 22.7 कब यूज करेंगे, अभी होमवर्क है पहला वक्त आप कुछ हद तक सही जा रहे थे, पर मैं एग्जैक्ट रीजन जानना है, NTPST भी बोल रहे थे ना, इतना ब्रांडेड में तुमको कुछ पता ही नहीं, कुछ फील देना ना इस लाइन में, ठीक है, इसी का नाम ही ना मैं ये नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये प्रेशर होगा कि एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, ये चीज मैं नहीं लिखूंगा, एटमॉस्फेरिक पे 22.7 यूज करते हैं कि बार पे 22.4 तो बताना, कंफर्म होके बताना, ठीक है, हाँ सही कुछ सही बोल रहे थे, तो अभी मैं क्या यूज करके सब चलूंगा 22.4, अभी मान के क्या चलो 22.4 यूज करना, सिर्फ इसको अभी रहने देते, बस क्या यूज करेंगे 22.4 मैं सिखाने आया हूँ, है ना, चलो मैं आगे, अरे कहाँ गया मेरा टेस्ट, चलो 22.4 क्या आप नहीं बन जाएगा, कितना लीटर दिए हैं, 4 लीटर ना, कितना लीटर दिया हुआ है, 4 लीटर, और कितना बोले 22.4 यूज करो, 22.7 और 22.4 का कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे एक चुटकियों में, 4 बटे क्या 22.4, मैंने कहा होता है बताया तो पहले भी होगा पर याद नहीं रहा ना, क्यों नहीं याद रहता है भाई, आप यहाँ बता दिए गए, आप लोग सुन लिए कहानी खत्म कर दी, मैं आप लोग को करने दिया हूँ ना, करके 4 बटे 22.4 दिक्कत किसी है ना, 40 बटे हर मैंने बेसिक मेथड सिखा रखे हैं पॉइंट्स को कैसे करने हैं, है कि नहीं है, मैं इसको 25 ले लूंगा, क्या ले लूंगा, अगर मैं 4 को 5 मान लेता हूँ प्रोस्पेक्टिव तो आ जाएगा ना, 4 को मैं क्या मानूंगा 5 मान लूंगा, है ना, क्या इससे होगा क्या, 5 8 4 ये कट जाएगा ना पूरा, 5 6 20 2 25 25 इतना तो कट जाएगा, है कि नहीं है, बस आ जाएंगे कुछ किसी में चेंज नहीं रखा, क्या बोले
कुछ नहीं मैं बस क्या लिखा लीटर बाय 2.4 मिलीलीटर काम। अरे वो मैंने अप्रोच किया, मैं बोला कि इसको कैसे सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में, है ना। पॉइंट को कुछ ऐसा वैल्यू ले लूंगा जिससे क्या होगा आसपास में आंसर आएगा ना। क्यों ले लिया भाई, दोनों आसानी से 5-5 से कट जाएगा ना, 5 से ये भी कट गया, 5 से ये भी कट गया, आंसर ये आ गया, है कि नहीं है, कोई दिक्कत? आगे चलू मैं, चलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, चल बना। क्या नहीं बताता इसका एटॉमिक मास से कुछ लेना देना हुआ क्या जब लिटर दूंगा तो? नहीं ना, पैतालीस लीटर है। चलो बना, जल्दी बताओ बता। 2.2 सही है, पर कुछ क्यों बोल रहे हो? हाँ हाँ, अप्रोक्स में लेना है ना, इसमें एकदम एग्जैक्ट डाटा तक नहीं जाना है। वेरी गुड, क्या होगा मोल का दिया हुआ लीटर कितना रे पवनिया? 45 लीटर है ना, और कितना लेंगे 22.4 भी लेंगे, कितना लेंगे भाई? 22 × 44 होता है ना। देखो यहाँ पे भी इसको भी अप्रोक्स हम 22 इसको ले लेंगे, 23 × 6 में तो 2 से कम ही आने वाला है, कुछ ये 2 से ज्यादा आने वाला है। हाँ कैसे 22 × 44 होगा ना भाई, 2 समथिंग आएगा, है कि नहीं? जो सबसे नजदीक होगा वही लगा देंगे। 22.5 लेंगे तो सीधे 2 बार में, हाँ 22.4 का सीधे 22.5 कर देंगे तो 2 बार, 2 से कम आएगा ना रे, 42.5 हो जाएगा तो 45। वही हीरो गलत है, थोड़े से 2 से कुछ कम आएगा, कैसे 2 से कम? इसमें हम अगर 22.5 लेते हैं कितना होगा आंसर? 2 आ जाएगा, मतलब 2 से एकदम नजदीक हो लगेगा, 2 ही आएगा। 22.5 लेंगे तो एग्जैक्ट 2 आ जाएगा, 22 × 44 4 लेंगे तो कम आएगा, कितना 45 होएगा ना, मतलब 2 आ रहा, मतलब एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 2 से कुछ कम होगा, मतलब 1.9 हो सकता है, यही आंसर होगा, 2 से कम होगा, है कि नहीं है? 2 से क्या होगा? कम होगा। आया समझ मेरे ए पठान, आया समझ मेरे कि नहीं आया? ठीक है, 10-12 जो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ ना, आगे आयो चलो। दिक्कत है इसमें, कैसे 1.9 लिखे, समझे कि नहीं समझे भाई? इतना क्यों मैं कैलकुलेशन करने जाऊँ 22.4 से करता हूँ, ठीक है, 224 45 में एक बार क्या बोला 45 ना, 0 लूंगा फिर पॉइंट लूंगा, ठीक है, 5 ले ले क्या होगा, तो 5 ही ले लीजिए आंसर ट्रैप दियो। हां मैं वही तो सिखा रहा हूं, वही तो मैं बोला 5.4 ले लेना, 5 नहीं लेना, तो ऑप्शन अगर भी देगा एक पॉइंट ना देगा 45 बटे क्या भाई, कैलकुलेशन तो वैसे मैं यहाँ सॉल्व करके चल जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि सब कोई है क्या बोले, वहाँ 45 से इसका डबल करेंगे कितना होगा 44 और 5 × 5 = 10 22.4 है, सुनो धैर्य दस सुनो, 22.4 है पहली बार, क्या है 22.4 है, ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ 2 से कम होगा कि नहीं होगा, 2 × 4 = 2 44 पॉइंट कितना आ रहा है, 44.8 आ रहा है यहाँ पे 2 आ गया, हाँ यहाँ ज्यादा ले लिए है ना, नीचे ज्यादा लिखा वैल्यू को घटा देगा, क्या किया वैल्यू इसको इसका घटा दिया, सही बोल रहे थे, ठीक है, अप्रोक्स में आंसर लगेगा 2 के आसपास ही आंसर होगा, है कि नहीं है? 2 के क्या होगा आसपास होगा, चूंकि यहाँ मैंने कम वैल्यू लिया था कि ज्यादा वैल्यू लिया था, आप सही बोल रहे थे लेकिन कब ले होगा सर, ऊपर लेंगे तब नीचे लिए थे ना, कहाँ वैल्यू लिए थे हमने, नीचे लिया था वैल्यू, इसका ज्यादा होगा ना, 2.4 समथिंग क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि मैं यहाँ वैल्यू ज्यादा ले लिया था, पर नीचे जब ज्यादा लेते ऊपर क्या हो जाता है कम हो जाता है, 2/2 है आंसर एक आया ना, अब 2 मैं बढ़ा देता हूँ 2 को 4 कर देता हूँ 0.5 आ गया ना, कम वैल्यू आ जाए नीचे बढ़ाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगा कम आएगा, जब मैं नीचे बढ़ा दिया तो हाँ ये बढ़ा दिया मैंने, है कि नहीं, ये बढ़ा दिया तो ये 2 आया ना, मतलब 2 से कुछ ज्यादा आएगा ना, नीचे बढ़ाएंगे तो हमेशा यहाँ से वैल्यू क्या होगा, सही सोचिए सही बोल रहे क्या होगा ज्यादा होगा, क्या होगा ज्यादा होगा ना, तो बेसिक मैथमेटिक्स बताया हूँ, नीचे जो रहेगा ऊपर वाला ज्यादा वैल्यू आएगा, नहीं समझ में आगे, नीचे वैल्यू ज्यादा ले रहा जो भी प्रोडक्ट में आएगा उसे आंसर उसका क्या होगा ज्यादा होगा, कोई दिक्कत आगे चलो मैं आपका ध्यान कहाँ, यार एग्जैक्ट 2.4 होता है, मैंने अप्रोक्स ले लिया 5 है कि नहीं है, तो एग्जैक्टली कट गया, कटाने के लिए किया ऐसा मैंने, है कि नहीं, आगे चलो, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने पूरा सिखा रखा है, प्रैक्टिस नहीं करते हो आप लोग, क्या बस सीख के चले जाते हैं। चलो अगला है 36 लीटर ऑफ H2, चलो बताओ इसका मोल कितना होगा,
एस टू। 36 क्या करना, 36 में से 22.4 करना है, क्या करना है 22.4 करना है, है कि नहीं, क्या दिक्कत है सब है। ऊपर एक जीरो करना कितना हो जाएगा, 8 1.8 इतना होगा ना, ये भी तो कट जाएंगे 18 1.1 कुछ आ जाएगा, ये 6 से कटेगा, 3 से कटा देता हूँ, 318 ये कटेगा रे, कितना कटेगा यार बता, इसको मैं अगर 10 ले लेता हूँ ठीक है, जो 1 point something आएगा आंसर, वो कैलकुलेशन तो मैंने बेसिक मैथ में आपको सिखा रखा कैसे करना, देखो 1.1 समथिंग हां पूछा आएगा समथिंग, कैसे आएगा 360 भाई, मैं क्या किया 200 एक को पहले 200 कटा दिया 1.1 ऐसा किया ना, वो 11.2 था, मैं इसको क्या कर दिया जीरो ले मान लिया, इसको क्या बदल दिया जीरो, तो सिंपल सा क्या है, कितना आएगा आंसर इसका, जीरो से जीरो कट गया तो 1. समथिंग आएगा आंसर, 1. something आएगा, इसे सीखे मैं कैसे किया, 1.1 समथिंग आ गया, आसान लेके चलना बेसिक मैथमेटिक्स, हर किसी को दिक्कत होता है, मजदूरी वाला करो काम, क्या करेगा काम, ऊपर एक जीरो किया ऊपर जीरो करो कटाओ जितना ये टू इतना हो जाएगा, फिर इसको कटाओ ठीक है, फिर इसको भी कटाओ, इसको ये करना, चलो ये भी तरीका मैं अच्छे से बता देता हूँ है ना, फिर कटा देखो भाई, फिर वही चीज़, अगर ये 23 है ये 45 है ना, 23 होना 46 है, अभी तो वो 2 से निकम आ रहा है, मतलब 1 से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से भी तो अगर मैं इतना भी करूँ, मुझे पता है कि यहाँ से ही आ जाएगा, और इतना टाइम अगर बचेगा आप लोग मैं वहाँ पे करते रहना एकदम मजदूरी वाला, ठीक है मैं चलूँ आगे, बन जाएंगे ना ये सब एकदम सिंपल है कि नहीं, मॉलिक्यूल रहे या पार्टिकल रहे ठीक है, बाय अवगाड्रो नंबर, कौन सा नंबर अवगाड्रो नंबर, अवगाड्रो नंबर का क्या वैल्यू होता है 0.622 × 10⁻³, क्या होगा अजय भाई बता, मोल का दूसरा पार्ट नंबर होता है या मॉलिक्यूल आयन से बाय अवगाड्रो नंबर, अवगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है 6.022 × 10⁻³, मतलब भैया याद रखना ये बात, एने मतलब अवगाड्रो नंबर, हाँ एने का मतलब मैं तो बोला चैप्टर में जान रही हूँ, हर चीज एक्सप्लेन में बताऊंगा, इस समय हर चीज एक्सप्लेन में बताऊंगा, मैं तो कुछ सिखा रहा हूँ पहले, मैं बोला ना समुद्र का गहरा से कुछ निकालूंगा उसके बाद फिर तालाब में ले जाऊंगा, अवगाड्रो नंबर इसको क्या बोलते हैं अवगाड्रो नंबर, एने क्या बोलते हैं अवगाड्रो नंबर, दिक्कत किसी को, क्या बोलते हैं इसको अवगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम ना, हाँ नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन पार्टिकल्स बाय अवगाड्रो नंबर, ठीक है आगे चलो मैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम मैंने कितना दे रखा है 6.022 हाँ 6.022 × 10⁻³ बाय अवगाड्रो, अवगाड्रो नंबर का सेम वैल्यू होता है 0.622 × 10⁻³, कट जाएगा ना पूरा, कितना होगा आंसर, 1 मोल, कितना मोल 1 मोल, आ रहा समझ में, आ रहा सर, चलो हाँ मैं दूंगा, अभी दूंगा, अभी टाइम सब क्यों ले रहे हो, ये सब टिक पे आएंगे सर, हो गया तो क्लियर, हर चीज़ें आसान है बन है ना, इस तरह बता ही जाता है कि कंफ्यूजन पूरा क्रिएट हो जाता है, आप ऊपर से बताइए मुझे, ऊपर से बताइए मुझे, मैं पहले क्या बोला था एक बार बताओ, दो मैं दिमाग में सेटअप करो यहाँ पर नहीं, मैं पहले ये सब आदत नहीं डालोगे फिर दिक्कत होगा है ना, अब तो सीखना समझ कर नहीं रहे ना कि देखे फिर लिखना है सब, एक बार सुन लो और लिखो उसको, है कि नहीं है, सुन लो और उसको लिखो और ट्राई करो दिमाग में लाना, यहाँ तो बाद में वीडियो में भी दे सकते हैं, पर अगर ये नहीं समझे ना, मतलब मेरे क्लास का लगभग बच्चा क्या करता था कि सर बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, कहाँ गया भाई दिमाग में तुम्हारा, दिमाग में समझा क्या, और बाद में क्या बोलते सर हमको कंफ्यूजन है, भाई तुमने सुना कहाँ था मेरे बात ध्यान से, है ना सुने रहते फिर उसको लिखने का आवश्यकता है, बाद में वीडियो देख के लिख लेते हैं एक बार, है कि नहीं, पहले समझना उसके बाद लिखना, पहले मत लिखना, आगे मैं चलो चल बता इसका आंसर कितना होगा, फाइन मोल बताओ,
बोलो जी सही बोल रहे हो रुचि बोलो क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई अवगाड्रो नंबर n है ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 12 × 10⁻³ अवगाड्रो नंबर क्या है 0.622 × 10⁻³ ठीक है कोई दिक्कत भाई इसको इससे अब डिवाइड करेंगे क्यों करेंगे ऊपर में ऐसे है ना सुनना ये नीचे ज्यादा है ना दो से कुछ कम आएगा ज्यादा आएगा हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल इसको मैं अभी क्या करूँगा तीन को पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट है नहीं नीचे कितना पॉइंट है तीन पॉइंट है ना इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ मिटा दे रहा हूँ कितना हो गया आंसर 2 × 2 ही हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा इसको समझ में मैंने क्या किया और क्या नहीं किया दो का कि दो से कम होगा आंसर नीचे पढ़ाएंगे हाँ दो से कम होगा अथवा दो से क्या होगा कम होगा नीचे पढ़ाएंगे ना हम बढ़ाएं या ना घटाएं हैं घटा दिए हैं 0 कितना था 6 मैं अभी तुरंत बोला नीचे अगर बढ़ाऊंगा नीचे क्या करूंगा ऊपर बढ़ेगा नीचे अगर बढ़ाऊंगा तो वैल्यू में जो भी आंसर होगा वो क्या होगा इंक्रीज होगा क्या होगा वो इंक्रीज होगा अगर नीचे घटाऊंगा क्या करूंगा नीचे अगर घटाऊंगा तो ऊपर जो भी आंसर होगा क्या होगा घटेगा कुछ क्या होगा घटेगा तीसरी बार इसको छोड़ देता हूँ याद रख इसमें भले मानता हूँ छोटा चीज पर कंफ्यूजन तो इसी चीज में रहते हैं नीचे क्या कर रहा हूँ नीचे बढ़ा रहा हूँ नीचे क्या कर रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ मान लेता हूँ आंसर 4 आया है मतलब 4 से ज्यादा आएगा आंसर क्या आएगा 4 से ज्यादा आएगा मोर देन 4 ये सब बात याद रख लो बहुत आसानी होगा कैलकुलेशन नीचे बढ़ा रहा हूँ तो आंसर अगर मानते 4 आया हुआ है तो आंसर क्या होगा 4 से ज्यादा होगा ठीक है अगर नीचे घटाएं क्या किए नीचे घटाएं क्या किए नीचे अगर घटाएं हैं तो मान लो अगर आंसर 4 आया है तो है ना अगर आंसर क्या होगा 4 से कम होगा आंसर क्या होगा लेस देन 4 होगा लेस देन 4 होगा आएगा समझ में मैं एक एग्जांपल देता हूँ जैसे देखो 2/2 आंसर 1 आया ना मैं नीचे क्या कर रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ नीचे क्या कर रहा हूँ बढ़ा 2 है ना 2 4 कर दिया क्या कर दिया आंसर कितना 0.5 घट गया ना आंसर तो इससे ज़्यादा होना चाहिए था आंसर इससे क्या आएगा ज़्यादा आएगा आया कि नहीं समझ में दूसरा अगर मैं नीचे घटा रहा हूँ 2/2 था ठीक है पर 2 को मैं क्या ले लिया 1 ले लिया क्या ले लिया आंसर 1 ले लिया आंसर तो बढ़ गया ना मतलब आंसर इसे क्या आना चाहिए था कम आना चाहिए था अब क्लियर हुआ एकदम दिक्कत नहीं है ना चलो मैं नीचे यहाँ घटाया हूँ कि बढ़ाया हूँ घटाया है आंसर कितना आ गया मेरा 2 आया मतलब 2 होगा आंसर कि 2 से कम होगा 2 से कम होगा मैं नीचे बढ़ा दी घटा दिया हूँ ना अगर नीचे जब घटाऊंगा तो आंसर बड़ा मतलब छोटा आएगा क्लियर तो मैं यहाँ ये पॉइंट लिख दिया भाई इसको लिख ले चलो ये सीधी कॉन्सेप्ट में इसको लिख ले जहाँ बताते हैं सब हैं पर एक बार बोर्ड पे निकल जाते हैं तो नहीं समझ पाते बच्चा क्या है क्या नहीं इसको याद रखो भाई ये बहुत काम देने वाला खासकर फिजिकल केमिस्ट्री 2-3 चैप्टर्स में बाकी बात तो एकदम उड़ जाएंगे लेकिन 2-3 चैप्टर इसको बहुत काम देने वाला है तो वो कैलकुलेशन अगर करने लगेंगे तो फिर हो गया 2023-2029 का नोट हो जाएगा तो ये सब कैलकुलेशन करने लगेंगे ठीक है तो करने कर सकते पर टाइम कंज्यूम टाइम बचाना है ना बहुत कम टाइम मिला जाता है मैं आगे चलूँ कितना होगा मोल एटम ऑफ एस2 पता कितना मोल होगा 1.0 नीचे लेकिन घटा रहे हैं तो ऊपर भी घट नीचे घटा रहे हैं तो ऊपर भी घट नीचे ये तो एग्जैक्ट 1 ही आएगा बस कुछ डिफरेंस होगा भाई और ये 0.22 × 10⁻³ ये कट जाएगा ना ये नीचे देखो एक से थोड़ा सा एकदम कम होगा 0.99 हो जाएगा 0.22 है ना और मैं 0.1 दिया हूँ 0.622 ठीक है 10³ तुम देखा हुआ है ना भाई उतना अंदर कैलकुलेशन प्रिवर्ट करना है ही नहीं यहीं से लेकर उठाना है आंसर 4 ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा थोड़ा डिफरेंस समझा ना आंसर क्या होगा वहाँ से कुछ नीचे होगा 9.0 मान लो 99 होगा एकदम लेकिन एकदम मान लो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 1 ही होगा अप्रोक्सीमेटली चलो तुम्हें आगे लगे सारी चीज़ आसान ना अब आओ क्वेश्चन क्लियर हुआ ना चलो ठीक है अरे किसी को डाउट रहा क्या थोड़ा सा भी ए पठान क्लियर हुआ क्या हाँ ठीक है क्वेश्चन बनवा रहा हूँ ना
चलो आगे आओ, चल इधर देख इधर। 4 ग्राम ऑफ S2 5.4 लीटर ऑफ S2 तीनों कैसे मोड फाइन करना है? फाइन मोड यार पहला का दो, दूसरा का एक, तीसरा का भी एक। तीसरा पहला का दो, पहला का तो बहुत बड़ी, दूसरा का एक है। क्या बोले? इसमें तो आएगा ना एटॉमिक मास GM/m 4/2। क्या बोल जरी भाई, समझ में नहीं आया आपको? इससे आसान तक साथ कहीं बताया भी नहीं गया, सिंपल वे में एकदम है ना, हमेशा एकदम खिस पिस करके बताया जाता है। भाई मैंने जैसे भी जो भी जैसा भी यूज किया आप लोगों को मैं फील दिला दिया किसको कहते हैं एटॉम, नंबर ऑफ एटॉम दिया जाएगा है ना, नंबर ऑफ एटॉम रहेगा। सुनो इधर, नंबर ऑफ एटॉम रहेगा क्या यूज करेंगे, लीटर रहेगा क्या यूज करेंगे, अगर ग्राम रहेगा क्या, इतना तो फिल मैंने दिला दिया ना, है कि नहीं? चलो 4 ग्राम S2 कितना मास मास दिया हुआ ना, दिया हुआ मास में क्या इसमें प्रॉब्लम होगा, क्या होगा दिया हुआ मास में ओरिजिनल मास, यहाँ लीटर दिया क्या होगा लीटर बाय 5.4 और इसमें क्या होगा नंबर ऑफ एटॉम बाय एवोगाड्रो नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना तीनों में? ये 4 ग्राम है, दिया हुआ मास कितना 4 है और 4/2 इसका एक 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लीटर बाय क्या होगा लीटर, लीटर बाय लीटर 22.4 ही था, मैं लीटर में क्या दे रखा हूँ 22.4, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये रहा भाई नंबर ऑफ एटॉम बाय एवोगाड्रो नंबर 0.662 इनटू 10 की पावर 23, आंसर क्या ना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। क्या आया कि ऐसा क्लियर हुआ कि नहीं जरी भाई? क्लियर हो गया, अच्छे से हुआ ना एकदम। नोट्स बनाने सब रहने सही है, सुनता अरे ये फील फिर नहीं आएगा ना, इतना सिंपल में थोड़ी पता है, ऐसे पता नहीं चलता कोई नहीं, लगभग का सोचना होता है कि पूरा एकदम अथा करेंगे ना बच्चा के दिमाग में फूट जाएगा, पर ऐसा उल्टा हो जाए ऐसा नहीं होता, जितना यहाँ करते हैं उतना कम दिमाग में जाता है, जितना कम यहाँ करते हैं उतना ज़्यादा दिमाग में जाता है कि नहीं है? क्या पठान सही तो सही बात, वेरी गुड। चलो मैं आगे, हुआ जी भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझने पे ज्यादा ध्यान देना है कि नहीं है, बाद में नोट्स बन सकते हैं इससे है ना, मैं भी है कि नहीं? चलो अगला क्लियर हो गया, एक अच्छा सा क्वेश्चन दो तो फोर ग्राम ऑफ S2 में दिया हूँ, ठीक है पूछा हूँ फाइन वॉल्यूम ऑफ S2, मैं बता रहा हूँ एकदम सिंपल सा सिंपल तरीका, एकदम सिंपल सा सिंपल तरीका, लगे का भाई कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं एकदम है ना, जब उसको कंबाइन कर दूंगा ना तब समझ में आएगा कि कुछ सीखे हैं, बोले सीख ले, पहले क्या कर ले सीख ले, मैं अथा नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, बाद अपने आप लोग अथा लिख देना उससे। वॉल्यूम फाइन वॉल्यूम ऑफ S2 इस बनेंगे जी, हाँ बता 4/2 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैं क्लियर कर रहा था। मैंने पूछा क्या है क्वेश्चन में, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक रूल होता है, ठीक है क्या रूल होता है, जो चीज पूछा जाता है पहले उसको लिखो, लगभग होता है डाटा पहले लिख, सही बात बताएं डाटा पहले लिख, तो समझना नहीं कि निकालना क्या है, है ना? मैं पहले चीज तो ये चीज लिखूंगा, हाँ मेरा ये मानना है पहले चीज पूछा गया मैं पहले वो चीज लिखता हूँ है ना। ACT का व्यू में ये है, और मैं देखा हूँ जिसको इसको फिजिक्स में दिक्कत होता है केमिस्ट्री में ना, ये तरीका अपनाने के बाद क्या होता है भाई स्कोर होना शुरू हो जाता है। ACT का ये कहना है कि क्या हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा क्या गया है भाई, वॉल्यूम ना, वॉल्यूम का मतलब लीटर ना, हमसे लीटर पूछा गया, हमसे वॉल्यूम का मतलब लीटर ही ना रे, हमसे लीटर पूछा गया ना, मतलब लीटर और मोल में क्या रिलेशन होता है, लीटर और मोल में लीटर बाय 22.4, आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया, लीटर पूछा गया है ना भाई, लीटर पूछा गया तो कंपलसरी हो गया कि मुझे निकालना क्या है पहले मोल निकालना है ना भाई, याद रखना जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे फिजिक्स रहे चाहे केमिस्ट्री रहे पहले क्या करोगे, पहले डाटा कौन सा लिखोगे जिसे पूछा गया, सबसे पहले वो चीज लिखोगे क्या किया गया पूछा गया, तो पूछा क्या गया था भाई वॉल्यूम, तो मैं वॉल्यूम और मोल में क्या रिलेशन होता है, मोल लीटर बाय 22.4, क्या होता है लीटर बाय 22.4, हमको पता है ये चीज निकालना है, हमको लीटर निकालना है भाई, लीटर निकालना मोल क्या होना चाहिए पता, और लिख के ले ली बात
दूसरा चीज जो निकालने दिया था उसके लिए कुछ ना कुछ हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। हिंट मोल के लिए क्या दिया हुआ है, 4 ग्राम, जो मतलब दूसरा जो डाटा बचा वो मोल के लिए दिया हुआ है। पर बात कुछ समझे क्या बोल रहे थे हम, है कि नहीं है? लगभग क्या करता सब बोलता 4 ग्राम दिया हुआ है गिवेन, ऐसे लिखता है गिवेन 4 ग्राम है। क्वेश्चन पीछे लिखता है हमसे वॉल्यूम ऑफ H2 पूछा है ना भाई, कहाँ दिमाग लगा, छोड़ना इसे। क्या करेंगे हम, हमको वॉल्यूम पूछा है ना, क्या पूछा हमको वॉल्यूम, मैं क्या लिखूंगा, मोल और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, लीटर बाय 22.4। अब चूंकि हमको ये निकालना था इसके लिए क्या होना था पता, ये और इसके लिए अलग डाटा क्या दे रखा है 4 ग्राम। आया समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले निकालने के लिए जो चीज़ बोला गया वो चीज़ लिखना है, वो चीज़ लिखना है, ठीक है। तो अब मुझे ये निकालने के बाद इतना तो क्लियर हो गया, अगर ये है मुझे ये भी क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, अगर मुझे भाई ये पता चलेगा ये आ जाएगा, और ये मैं कहाँ से पता करूँ, इसलिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में क्या रहेगा हिंट दिया हो रहा है, हिंट क्या है 4 ग्राम है, तब ढूंढना 4 ग्राम और मोल में क्या रिलेशन है। 4 गिवन मास बाय ओरिजिनल मास, गिवन मास बाय ओरिजिनल मास 2 होगा, 1 था 2 हो जाएगा, 4/2 आंसर कितना 2, तो मोल हो गया 2 लीटर 22.4 आंसर कितना 44.8 आ गया मेरा ना। क्लियर हुआ कि नहीं अच्छे से एकदम कि नहीं हुआ, ये क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ उसको दूसरा आप लोग बनाना, ठीक है। ये जीरे भाई जू यहाँ पर लिखिए 6 ग्राम, सुनना ध्यान से, 6 ग्राम ऑफ H2, 6 ग्राम ऑफ H2 में बोलूंगा इसका वॉल्यूम फाइंड करके लिखा, वॉल्यूम ऑफ H2 में एकदम अजीब तरीके से क्वेश्चन दे रहा हूँ, कारण नहीं कि बस 6 ग्राम, उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन लिंक करूँगा ना कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ H2 बताओ 56.2। वॉल्यूम ऑफ H2 में से क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ H2 ना, हाँ बिना कैलकुलेशन के हो रहे हैं ना, आप क्लियर हो रहे हैं तो कैसे मोल बोलने, तो क्या करें 7.2, हाँ सही है, एग्जैक्ट सही बता रहे हैं, हमसे वॉल्यूम पूछा गया ना, वॉल्यूम और मोल में क्या रिलेशन होता है, मोल इक्वल टू लीटर बाय 22.4, और भाई हमको लीटर चाहिए ना, लीटर हमको वॉल्यूम, मोल के लिए, मोल के लिए क्या दिया गया है 6 ग्राम दिया गया है, 6 ग्राम बाय मास 1 का 2 हो जाएगा ना, 2 कितना का 3 मोल इसको 22.4, हां अब मोल आ गया तो क्या करेंगे सिंपल सा, 3 × 22.4 हमको लगता है सब क्लियर हो गया सर जी, हुआ ना। अब यही चीज को मैं पहले दूसरे तरीके से देता, 4 ग्राम ऑफ H2 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कुछ बताए नहीं करता, खाली मोल का फार्मूला बता के चल जाता, बनता क्या नहीं बनता क्या पठान, हां वेरी गुड। दिक्कत है किसी को समय छोटा सा चीज में नहीं, इसको पूरा ब्रांड बना के रखा हुआ है ना, क्या क्वेश्चन भाई देखना है ऐसे ही फंस जाएंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे अभी देंगे है ना, क्लियर है यहाँ तक मैं आप दूँ 6.023 × 10^23 फाइन मोल, मोल बताइए पता है एन ए का अगर वैल्यू भी देखेगा तो 0.623 ही होता है, और वहाँ से कैसे कम कम नीचे तो ज़्यादा है, हालांकि एक प्रश्न एक आएगा चलिए ना, हाँ हालांकि कितना होगा आंसर, 1 हो जाएगा, बोलो जी कुछ लग रहे हैं दुविधा में, दुविधा में है क्या कुछ, बोलो जी आप दुविधा में, अरे हमको लगा आप दुविधा में, हमको लगा आप हमें खुश करोगे, गब्बर सवाल सीधे क्या पठान, हाँ ठीक है ये कट कर दूँ मैं, कितना आ गया आंसर 1 मोल है ना, अच्छे से क्लियर हो गया है ना, बारे का दगड़ा सा है, क्या होगा मैंने गलत क्यों किया पहले आपको पता भी है, हाँ 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 आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं भाई, मैंने यहाँ ग्राम लिख के रखा था, मैं चुप हो गया, यहाँ बोले उन्होंने चुप हो गया, खाली जी लिख के छोड़ दिया, वही तो मैं बोला दुविधा में हो कुछ बोलो कुछ है, नहीं नहीं, नहीं नहीं ये ग्राम था, ग्राम का नंबर ऑफ एटम कहाँ से लगा, मैं बोला क्या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ आयन बोला था क्या, नहीं क्या लिखा ग्राम भाई, ये नंबर पे क्यों चले गए, ये नंबर पे नहीं जाना है, नंबर यहाँ लास्ट में देखना एटम बोला है कि वॉल्यूम बोला है कि ग्राम बोला है, ग्राम बोलेगा तो गिवन मास बाय ओरिजिनल मास, एटम बोलेगा तो बाय अवोगाड्रो नंबर, अगर लीटर बोलेगा तो बाय 22.4 लीटर, ये यूनिट ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना ये यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 होगा है ना, 3 × क्या बोलते हैं 10^3 बाय 2 से डिवाइड कर देंगे ना, क्योंकि ग्राम दिया हो, इसका मोल का फॉर्मूला क्या होगा गिवन मास बाय ओरिजिनल मास,
है ना 10 पे पावर 23 बाय 2 ये कट जाएगा ना 3 इनटू 10 पे पावर 23 और आगे ले जा सकते 0.12 हो जाएगा। आया समझ में? कहाँ ध्यान देना है? यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलूँ मैं? मोल ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा फील बस दे रहा था, ज़्यादा नहीं दे रहा था, अभी थोड़ा सा दे रहा था, बताने के लिए तो बहुत है ना। और ऐसा है कि एक भी चीज डाउट लेके हम भेजने यहाँ जाने लेंगे, सब सिखाने यहाँ पर 0.01 इसको। अरे मैंने बोला कि अब 3 भी को चलेगा, इतना इतना डिफरेंस रहता है, पर देखो 2 से मैं 3 को डिवाइड करूँगा 3 नहीं होगा, ये 0 तो 0 हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा 0.11। ये मैसिंग में 2 × 6 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे फिर 0 को 0 होगा, 2 × 2 को एक ही कटेगा ना, 2 यहाँ 3 1 पॉइंट समथिंग होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आया तो समझ में कि दिक्कत है। अब 2 क्वेश्चन 4-5 बन जाएगा जी। 22.4 लीटर ऑफ H2O फाइन मास ऑफ H2O। मैं क्वेश्चन एकदम छोट शॉर्ट में दे रहा हूँ, ऐसे ही लिखाएंगे, बताएंगे ना कितने देर है। 22.4 लीटर ऑफ H2O फाइन मास ऑफ H2O। कौन सा मास बोल दिया है? गिवन मास, ओरिजिनल मास का फाइन करना ऐसे नहीं बोलता जल्दी से। फाइन मास ऑफ H2O नहीं निकलेगा क्या? निकलेगा आराम से ना भाई, तो हेलो है ये सब। मैं पहले क्या पूछा क्या हमसे? हाँ हाँ पूछा है फाइन मास ना, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास और मोल में क्या डिफरेंस है? गिवन मास बाय दिया हुआ मास बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल मास कितना 2, 1 कितना 2 हो जाएगा ना, बाय 2 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए इसके लिए? मास निकालने के लिए मोल चाहिए ना, आंसर हो जाएगा 2। हाँ आंसर 2 हो जाएगा। क्यों मोल कैसे आ जाएगा इससे ना रे? हिंट क्या दिया है? लीटर दिया, क्या हिंट? लीटर दिया, यहाँ से मोल निकालेंगे 22.4 लीटर बाय 22.4 आंसर का कितना 1 मोल हो जाएगा। 1 गुना 2 करेंगे मास कितना हो गया 2 हो गया। इतना सिंपल सा क्या क्लियर नहीं हुआ रे? आइए बताएं अच्छे से क्लियर हुआ मोल एकदम? बस मोल सीखा कि नहीं सीखा? मोल का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या पठान क्लियर? नहीं आया समझ में क्या? 4 ग्राम ऑफ H2 फाइंड नंबर ऑफ एटम। मैं एकदम ऐसा क्वेश्चन बस सिखा रहा हूँ, मैं फिर से बोला क्वेश्चन सही है नहीं, पर जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो क्या है? एकदम सही यार, वो कॉन्सेप्ट ही काम देगा भाई। फाइंड नंबर ऑफ एटम ऑफ H2 फाइंड नंबर ऑफ एटम ऑफ H2 फाइंड नंबर ऑफ एटम ऑफ H2 नंबर ऑफ क्या पूछा? क्या होता है इसका मतलब? नंबर ऑफ एटम और मोल में क्या है रिलेशन, रिश्ता क्या है? नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल बाय Na, अब यहां ले लेते हैं नंबर है ना, अगर नंबर तो वो नंबर ऑफ एटम चाहिए ना, तो वो मोल चाहिए कि नहीं चाहिए? मोल गुना क्या कर देंगे Na आ जाएगा नंबर ऑफ एटम 0.044 * 10 टू द पावर 23। चलो बढ़िया बात है, ठीक है। यहां 2 जगह मोल दो नहीं होगा, ग्राम कितना दिया हुआ 4 ग्राम ना है कि नहीं? दूसरे से निकालेंगे मोल एक का आंसर के लिए है ना, मोल 4 ग्राम बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर 2Na। इस फॉर्म में कभी ऐसा आंसर रहता है, जरूरी नहीं कि सॉल्व ही करना है, ऑप्शन देख के सॉल्व कीजिएगा। Na अगर वैल्यू नहीं दिया जाएगा क्यों सॉल्व करेगा? अगर आई वैल्यू सुनना क्या बोल रहा है, Na के फॉर्म में तो मल्टीप्लाई क्यों करेंगे है कि नहीं? और क्वेश्चन भी देखा नहीं आया, क्लियर समझ में आया तो? जेरी भाई क्लियर हुआ? जेरी भाई क्लियर, डाउट लग रहा है क्या? अरे भाई आप जेरी भाई अगर आप चुप हो गए तो फिर तो नैया डूबेगी नहीं, नैया कश्ती में जाएगी ही नहीं। फाइंड नंबर ऑफ एटम इसका मास होता है कितना पता है कि नहीं? 16। चल बता आंसर कितना, जल्दी बता क्या यहाँ पे Na का लेंगे क्या 0.62 लेंगे क्या 6.0 नहीं लेंगे? Na का वैल्यू यूज नहीं करना, Na के फॉर्म में रखना आंसर हो गया 3/8। मैं बोला ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 ऑक्सीजन तो 32 हो जाएगा ना रे पगले, 32 हो जाएगा।
ऑप्शन दे के आंसर निकालो यार। 6 3 नंबर 982 नंबर ये नंबर ना। हां हां वाह भोपा सिंह सही बोले, वेरी गुड भाई। पहली बात तुझे मैं सुन लो, नंबर बेटा पूछा था आंसर के पास बहुत निकालेंगे ना। कितना 4 ग्राम दिया हूं ना हर जगह, कितना ग्राम परसेंट चला दिया ये ना, 6 ग्राम दिया हूं 32 हो जाएगा। 32 तो 6 ऑक्सीजन का 16 मास का ऑक्सीजन कितना 2 है ना, 32 ग्राम हो जाएगा ना। द्वितीय 6 16 बस चलो एनए है कि नहीं। उसके बाद तो और भी कर रहा था। हां हां क्या बोले, 3 फिर 3 22 मैं ऑप्शन दे रखा था। मैं बोला कि ऑप्शन से आंसर निकालना, टाइम बचता है लगभग। हम लोग क्या करते हैं कि बना देते हैं पूरा, देखते भाई ऑप्शन में यहीं तक था, कभी कभी होता है ना हम लोग बना दिया, ऑप्शन देख के बनाना, कहां से देख के बनाना है, ऑप्शन देख के बनाना है। आगे चलो, क्या टॉम भाई क्लियर है? आज बड़ा चश्मा आसमान लगा के बैठे, बगल में कौन बैठी है? जेरी जी। अरे चूहा बिल्ली। जो भी आएगा मोल, मोल से तो मल्टीप्लाई ही होगा ना, मोल से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा ना। मोल आया आपका 3/16 × n हुआ क्लियर? ठीक है तो अब सुनना, इतना तो कर रहा था ना मैं, अब एक लाइन दे दो सुनना इधर छुट्टी। मैं पूछूंगा नंबर ऑफ एटम, क्या पूछूंगा नंबर ऑफ एटम, मैं पूछूंगा क्या बोलते हैं वॉल्यूम, क्या पूछूंगा वॉल्यूम है ना, या फिर मैं क्या पूछ सकता हूँ मास, भाई मास दिया हुआ मास है ना, मास इतनी चीज पूछूंगा ना। सुनना सब क्या करना, सब नंबर ऑफ एटम पूछूंगा ना मोल, वॉल्यूम में पूछूंगा ना मोल, मास से पूछूंगा ना मोल, ठीक है मोल निकालना है। जब नंबर ऑफ एटम का बात होगा तो एन से मल्टीप्लाई कर देना, जब वॉल्यूम का बात होगा तो 22 ना, मजा आता है। मैं नंबर ऑफ पूछवा क्या करोगे मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, मैं वॉल्यूम पूछवा क्या करोगे मोल इंटू लीटर, अगर मैं मास पूछूंगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। किसे आया इसी नंबर ऑफ एटम, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम बाय अवोगाड्रो नंबर, भाई ये इधर मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ एटम ही तो होगा है कि नहीं, मोल इंटू नंबर ऑफ एटम ये हो जाएगा ना। अब मैं बोलूंगा वॉल्यूम निकालने बोला हूं तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, लीटर बाय 22.4, भाई इधर ही तो करूंगा मोल से 22.4 है कि नहीं, एकदम क्लियर हुआ। तो अब मैं मास पूछ रहा हूं मोल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, गिवन मास मतलब ओरिजिनल मास या दिया हुआ मास बाय ओरिजिनल मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास है ना, एटॉमिक मास इधर कर दिए क्या हो जाएगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास है ना। बस क्यों उत्तर करने जाएगी किससे, तो यही घट जाएगा बस मोल इनटू ये, मोल इनटू ये, मोल इनटू ये, क्लियर हुआ एकदम 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 अच्छे से क्लियर हुआ तेरी भाई। अब आंसर एक बार में आएंगे तो मैं क्वेश्चन दिया हूँ, मोल मैंने दे रखे हैं 4 मोल, कितने मोल 4 मोल, मैं पूछूंगा फाइंड वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा आंसर, बता बता एक बार बता फाइंड वॉल्यूम पूछा है टॉम भाई, 22.4 × 4 क्या दिमाग लगाना है, मोल दिया हुआ था मुझे 89 मोल पूछा है, हां तो मोल मुझे 4 दिया हुआ था और वॉल्यूम पूछ रखा था 22.4 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई 4 × 16 = 9 = 89.6 हुआ था तब क्लियर। अब मैं पूछता हूँ सुनना, 6 मोल दिया हूँ, अब बोलूंगा नंबर ऑफ एटम बता, 6 मोल दिया हूँ नंबर ऑफ एटम बता, 6 एन हो जाएगा ना, तो भाई एक लाइन में आंसर बिना कैलकुलेशन के क्या 6 एन, मैं कैलकुलेशन कहाँ बोल रहा हूँ, मैं वैल्यू कहाँ पुट कर वैसे सिखा रहा हूँ ना, अभी 6 एन है ना, 6 एन, मैं बोलूंगा मैं क्या बोलता हूँ मोल दे रखा हूँ 4 ऑफ H2, किसका दे रखा हुआ H2 बोलूंगा, इसका मास बताओ 4 × क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम क्लियर कट इसको बोलते हैं, आया तो मजा, सब में क्या चाहिए मोल चाहिए, सब में क्या चाहिए
मोल कंपलसरी है और मोल के लिए कुछ ना कुछ हिंट दिया जाएगा। आया तो क्लियर? अरे लिखना लिखेगा ना जिंदगी में पास भी नहीं हो सकता। मैं ऐसा काम मैं वीडियो देखकर यहाँ टाइम जाता है ना और यहाँ समझ में आता है उतना कंफ्यूजन हमेशा रह जाता। क्यों कंफ्यूजन समझते हैं वीडियो देख के लिखना है। सुनो इधर, वीडियो देख के लिखना। कारण क्या है? टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, टाइम कम है ना हम लोग पास, टाइम बहुत कम है। और स्पीड हाथ का बढ़ाओ, क्योंकि हम लोग सर केमिस्ट्री से पढ़ाते थे ना, भले समझ में आया नहीं है। हाँ देखिए देखिए देखिए, जब सर रुके सटाक से लिख लिया एकदम, इतना घिस के लिख सकते लिखो एकदम। बाद में समझना हम ही को है ना, दूसरे को थोड़ी समझवाना है, एकदम घिस के लिखो। और मेरी एक स्टूडेंट थी है ना, कितना भी डांटो कितना भी फटकारो, फास्ट कभी जिंदगी में लिखी नहीं एकदम अच्छा। बोले घसोर रे भैया हमसे ना खंदा है, नटिंग होगा नहीं। अब लिख दिए कि नहीं तुम? कोशिश की पर फिर भी उससे नहीं हुआ है ना। आगे चले, चलो आगे बताओ। कोशिश करना चाहिए है ना, कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। कोशिश तो वही करते इसको आता नहीं है ना, कोशिश करने वाले की तो हार होती है। 999 आजकल वो उस समय में चला करता था। अब तीन बार तुम कोशिश करो, जीवन नहीं निकलेगा, चौथा वाले तुम बैठ ही नहीं सकता है। अरे वही तो, जो भी हो मैं वो नहीं बार, तीन बार कोशिश किया, मैं अगला बार किस कोशिश करूँ? कोशिश में टाइम कहाँ दिया गया? टाइम ही नहीं दिया गया, खत्म हो गया। अच्छा जो पहला बार फिर कोशिश करके निकाल लेता हूं। अरे कोशिश उसको नहीं बोलते, मस्त लाता है पता है। मैं आज से नहीं, अब मैं 2016 से यूज करने लगा, ट्राई मैं यूज नहीं करता। ट्राई कट करो, ट्राई पुराना ट्रेन में चलता था, इस बार क्या था मस्त मैं यही साल करूँगा है ना। एक मेरा फ्रेंड था, उसका पैर पे मैं ऐसे पैर गलती से रखा गया, बोलता है क्या मेरा क्या बोलता है, देखने में अच्छा लगता है ऐसे बोला। सब सब्जेक्ट मेरा अच्छा मार्क्स आता था, बस वो मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मुझे पसंद नहीं था, मुझे पढ़ता था, मुझे पढ़ना था ही नहीं मैथ्स, सिंपल सा है ना। मुझे पढ़ना था क्योंकि मुझे बाहर रखना, क्लास सिक्स से मैं सोचा था मुझे बाहर रखना है ना। वो लड़का ऐसे बोला ना, उनको था इंसल्टिंग फील हुआ। अगला बार मार्क्स हुआ ना टेस्ट, 50 मार्क्स का था, कितना आया? 49 हाफ आया। उसका कितना आया पता है? 43 आया, मुझे अच्छे से मार्क्स याद है। उससे एक साल बाद थैंक यू बोला, बोलता क्या है मजाक उड़ा रहा है, मजाक में तेरे का मेरा मैसेज था और मेरा मैथ्स में स्टार लगा है ना, स्टार लगा हुआ मेरा रिजल्ट था मैथ्स में, मतलब 49 हाफ आया मेरा। उसके बाद फिर कितना आया? 49, दो और एक बचा था उसमें, उसमें नहीं लास्ट में था 50 आया था। उसके बाद सब में आता था इधर 48, 47, 50 सब में आता था, बस मैथ्स में हमेशा कितना रहता था, बहुत गंदा रहता था, 30, 33, 25 ऐसे रहता था। लेकिन लड़का जैसे बोला ना हमको है ना, जो बोला ना ये परिणाम निकला, तब से मैं क्या बोला ट्राई नहीं, मैं वो यूज करता था। भैया बोलते थे मैसेज बना, तो हाँ भैया ट्राई तो कर रहे हैं भैया, ट्राई का मतलब एक नंबर बहाना होता है। ट्राई का मतलब क्या होता है? एक नंबर बहाना होता है। भाई ट्राई कर, क्यों ट्राई कर रहा है? मास्क लाओ ना, क्या लाओ मास्क, मुझे करना ही है। और मैं कितना ले, एक बार में कितना है? 49। सर को क्या लगा पता है? मानते हैं आप पढ़ने में, पर मैथ से 49 हाफ लाए। एक बार उनको डाउट लगा, भाई क्लास में सबसे ज्यादा आगे बनाने लगे ना सर, बोलते तो पहले भी मैं बहाना, सर मेरा आँख खराब था, थोड़ा सा नहीं ध्यान दे पाते, नहीं बोले कि सर मैथ मुझे पसंद नहीं था। टीचर कोई बोलेगा सर मैथ पसंद नहीं, उसको चिड़चिड़ापन लगेगा ना। ट्राई करने पर क्या लाना है? मास्क। कोशिश करने वालों क्या होती है? हार होती है। कोशिश नहीं करना, हमको ही करना है। मास्क क्या? मास्क नॉट ट्राई। उसमें मौका मिलता था भाई, इंडिया में था, तुमको मौका मिलेगा दूसरे देश में, तुमको इंडिया को है, आप लोग ज्यादा इंडिया के बारे में पता है। वहाँ पे क्या करता है नासा का क्या कहानी, जब तक तुम कर रहे हो तुम प्रैक्टिस करते रहो, जिंदगी में एक ना एक बार इसका क्या होता है, हो जाता है, उतना मौका दिया जाएगा कि नहीं। घर वालों भी तीन बार में अगर नीट नहीं निकला ना, ये लड़का पढ़ता है या ये करता है वो करता है, सब बोलने लगता है हाँ मौका दिया गया, कोशिश करते रहना था है कि नहीं है? कोशिश नहीं है बूढ़ा बोले, अरे तब तो बूढ़िया की हाँ है ना, चल चलो मेरे क्या कराना है, मैरिज वगैरह के बारे में मेंशन करने लगा, कहाँ मौका दिया? ट्राई नहीं करना है, क्या करना है? मास्क करना है, याद रखना ही मेरा बात। अच्छा कह रहे हो भाई, ये पुराना ट्रेन चलता था, कौन सा ट्रेन? पुराना ट्रेन चलता था, सब बोलता था ना कि बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल होगा, तुमको नर्क मिलेगा, नर्क तो धरती पे मिलने लगा आज। सब बातें क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, करना है ना, याद रखना ये बात। ट्राई नहीं, क्या करेंगे? मस्ट लाइन हाँ जाना है कि ना, नौका लहरों से कभी डर के पार नहीं हो सकती, नौका लहरों से डर के कभी पार नहीं हो सकती। भाई जो कोशिश करेगा उसी का हार होगा, कोशिश नहीं, क्या करेंगे वहाँ पे? मस्ट क्या बोले? हाँ कोशिश करने वालों की हार होती है, जो मस्ट करता है उसको क्या होता है, उसी को सक्सेस मिलता है। ठीक है, याद रखना ये बात।
कोशिश नहीं, कोशिश क्यों करेंगे हम, सही बनेंगे। सही बात है, पानी कोशिश कोशिश करें कहाँ से पी पाएगा हम पानी पिए। वो जमाना चलता था, मौका दिया जाता था ना भाई, पहले का जिंदगी भी कितना था, 100 साल का था, कितना साल का था जिंदगी, 100 साल का, कितना साल का जिंदगी रह गया भाई, मुश्किल से 60 साल भी नहीं जीत रहे हैं जिंदगी, मुश्किल से कितना नहीं है, 60 साल 40 साल यहाँ भी रिड्यूस हो गए, क्या कर लेंगे है कि नहीं यार, कितना साल रिड्यूस हो गया, 40 साल यहाँ भी तो रिड्यूस हो गया, टाइम भी तो कम मिल रहा है, जेई वाले खत्म और जेई वाले याद रख लो, उसको 3 या 2 ही चांस है ना, और नीट वाला भाई 25 साल तक देते रहेगा है ना, दो हाँ एक साल में 2 पेपर हो जाते हैं ना, इसका मैं 4 बोला, नीट वाले में 1 साल में 1 ही पेपर होते हैं। अरे हाँ वही तो मैं बोला, कोशिश कहाँ से आया भाई, इसलिए हर चीज चेंज हो चुका है, तुम अभी से चेंज भी हो जाओ, लेकिन तुम चली जाओ, जब फर्स्ट टाइम जब नीट में बैठा था ना, पता हम क्या सोचते थे सर, एक बात मेरा यही है, जब हम नीट में फर्स्ट टाइम बैठे थे ना 12th के साथ, हालांकि मेरा उस टाइम भी अच्छा खासा पूरा अच्छा हो गया था, पर हम लोग भाई हम छोड़े नहीं, ना फिजिक्स छोड़े, ना केमिस्ट्री छोड़े, ना बायो छोड़े, मतलब मार्क्स मेरा उतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, किसी का देख रहे 696 680 यार मेरा क्यों नहीं आ रहा है, पढ़े तो हम भी, सही बात बोले है ना, पढ़े तो हम भी, और एक बात नहीं देखा 24 घंटा में 1624 पेज हम पढ़े बिना, एक बार तो बेड पर बैठे तो उठे तक नहीं थे हम, है ना, यहाँ आप लोग को पता होगा 2019 का जो फिजिक्स का पेपर जो था आउट ऑफ सिलेबस भी है ना बोर्ड का, 24 घंटा नहीं छोड़ा, बस सोचते इतना पढ़ते हैं फिर इतना पढ़े थे, पूरा मेरा 11th पूरा कंप्लीटेड था एकदम, 11th में उतना ही पढ़े थे, पर नीट में बैठे मतलब सबका सुन रहे, किसी का 680 किसी का इतना है, हालांकि मेरा बहुत अच्छा था पर उतना मेरा क्यों है, हम तो कहीं कमी नहीं रहे, और बोर्ड में चूंकि मेरा रिजल्ट हमेशा अच्छा रहा हर बार में, तो नीट का क्या कहानी था मैं बाद में समझ में आया, 4.6 by 2 by 2.3 क्या करेंगे, 2.5 लेते हैं, इसको मैं मान कैसे डिवाइड करता था, 4.5 by 2.3 जैसे जे भाई कर रहे थे ना, 4.5 by 2.3 है ना, मैं इसको करता था एकदम, एक पॉइंट ऊपर गया नीचे 10, नीचे भी क्या गया 10 कटा, क्या बचा 45/23, क्या बचता 45/23 भाई, इसको आप कटाते थे कैसे 43 है ना, फिर एक बार में लगा 47 हुआ है ना, फिर 5 में 3 गया 2, फिर 4 में 2 गया, क्या होता है 1 और 2 बचा, ऐसे करके करता था, फिर पॉइंट लिया 0 लिया भाई, ये सब पढ़ने जाकर कहाँ भाई, तो 2022 में बैठेगा 2029 में निकलेगा, तब पढ़ते पढ़ते क्या समझ में आया भाई, 4.5 है मैं इसको क्या ले लूँ, 4.6 आंसर कितना आ गया, मतलब टाइम नहीं मिल पाता एग्जाम नीट वाला में, बोर्ड का तो दर्जा उड़ा देता था ये नीट वाले में, ऐसे ये तरीका अगर नहीं अपनाएंगे तो कभी होने वाला नहीं भाई, कितना भी पढ़ लो अगर वही तरीका इतना बड़ा बनाएंगे ना, नहीं होने वाला है, कितना घंटा है 180 मिनट, क्वेश्चन कितना है 180 क्वेश्चन है ना, एक मिनट, और भाई बाय में बन जाता है उसके लगभग, लेकिन जो सोच पढ़ना भी तो पढ़ता, सब बोलता है 1 मिनट भाई, 1 मिनट में तो बाय में 3 क्वेश्चन करो, करके दिखा ना, करके दिखा है ना, बांगने के लिए कुछ भी बोल देता, बांग करके दिखा 1 मिनट 3 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का 1 मिनट में 3 क्वेश्चन बन सकता है भाई, लेवल का ही डिपेंड करेगा, एक लाइन का रहेगा तब ना पढ़ने में तो 2 लाइन लगता है भाई, वहाँ पे टिक लगाना है 4 मार्क्स, एक बार सर्कल कर दे दोबारा मिटा नहीं सकते, सोच के भी तो लगाना पड़ता है, घर में तो बैठते हैं 30 मिनट में 90 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, पर वहाँ पे नहीं, क्यों सोच के लगाना पड़ जाता है, यहाँ पे क्या गलत हो, लगा है कि नहीं, यही कारण सब है, इसी कारण क्या करेंगे, ट्राई की जगह पे क्या करना है इस बार, मस्त ठीक है, याद रखना सब बातें, जिंदगी में अप्लाई करो, अगर मैं भी अप्लाई नहीं किया रहता तब मैं भी नॉर्मल सा ही किसी कॉलेज में पढ़ा रहे था, चलो आगे बढ़ते रहो, टाइम बदल रहा है, हर चीज़ बदल रहा है ना, आई चलो मैं, हर कहावतें भी क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, नाम भी बदल दीजिए किसका, देखिए क्या लिखा है, बोलेगा क्या, पहला क्या है 6 ग्राम ऑफ एंड यू, ठीक है, इसका पता मोल कितना होगा, मोल मतलब मोल, हाँ एंड 14/7 3/7 कहाँ से होंगे, 6 14 मास भाई वहाँ एन टू नहीं है, नाटक का मास 14 होता है ना, 28 होगा ना, 3/14 कितना होगा, 28 ना होगा, 28 है ना, अब क्या हो जाएगा 3/14 बोल रहे, 3/14 फर्स्ट टाइम की दूसरा टाइम बोले,
ऐसा नहीं करने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे करोगे तो सब पढ़ा भी दूंगा, वहाँ पर गंदा नंबर आ जाएंगे, है ना? याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमेशा सोच समझ के आंसर दो। अगर मैं सर का उस दिन बात माना रहता, अपना ईगो में नहीं रहता, मेरा भाई में आज सौ में सो रहता भाई, मेरे कितना भी था 9500 के बीच में ना, 100 रहता। एक लड़का था मेरा फ्रेंड है ना, वो खूब फिजिक्स में मेहनत किया, और दूसरा लड़का था फिजिक्स में मेहनत नहीं किया, क्या क्या बस बोर्ड के लिए पता है क्वेश्चन बैंक नहीं होता है, वही साल भर वही रटते रहा और उसका हाँ बस वही, और बुक तक छुआ तक नहीं लड़का, है ना, बुक तक नहीं छुआ वो लड़का, खाली बोर्ड का करते रहा लास्ट में इतना बढ़िया नंबर सब्जेक्ट में लाया ना, और जो पूरा हम लोग पढ़े थ्योरी, लंबा थ्योरी पढ़े, उस हम लोग का नंबर थोड़ा कम रह गया उससे, है ना। पर क्या हुआ भाई, जेईई नीट में फोटा गया, जेईई नीट में फोटा गया, सामने तक खड़ा नहीं हो पाया, लाया था बोर्ड में उतना परसेंट, नीट में आया एकदम इतना कम, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ, है ना, टीचर का थोड़ा सुना करो, हाँ एक बार देखो टीचर का बैकग्राउंड कैसा है। अब मेरा आया हुआ 45% और मैं बोलूंगा क्या भाई, मैं आपको 95% लाऊंगा, मैं खुद लाया 45, अब मैं खुद मैं नीट में नेगेटिव नंबर लाया, -10 नंबर, और मैं बोलूंगा नीट में तो सिंगल डिजिट दिलाएंगे भाई, और हमको फॉलो करने लगे लो, हो जाएगा क्या, जो किया भाई उसका सुनो, है ना, जो किया पहले उसका तो सुनो। आई मैं चलूँ, और मैं साइकोलॉजी लेकर ही चलता हूँ, ऐसे नहीं चलता, मैं क्लास 9 में पूरा साइकोलॉजी पढ़ रखा है, पूरा बी एड कर सकूँ। अगर मैं चलूँ चल, ये हो जाए कितना हो जाएगा आंसर इसका, 3/14 ना, और मैं बोलूँगा वॉल्यूम पता करो, क्या वॉल्यूम बताओ क्या करेगा वॉल्यूम, कितना 3/14 है, 3/14 × 22.4 जेरी भाई तुमसे कौन सा नंबर बेटा बताओ, नंबर बेटा अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, इतना तो क्लियर हुआ, थोड़ा थोड़ा बातें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ मोलरिटी पे, किस पे, मोलरिटी पे, और दूसरा बात आता हूँ मोलरिटी पे, क्या मोलरिटी पे लगभग मैं देख रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चे कर जाते हैं, है ना। किसका स्टूडेंट है तू, अरे चलो आगे बताओ, मोलरिटी और मोलरिटी में ना बच्चा कंफ्यूज करता है, मोलरिटी में क्या होता है पता है, हाँ नंबर ऑफ मोल्स, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, भाई सब ब्रांडेड वर्ड पे मत जाना, ठीक है, बस मैं केजी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, केजी, क्या लिख रहा हूँ, बस केजी, मैं सिखाऊंगा ना मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मैं इतना भी नहीं लिखा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा ना पूरा, मैं सिखा रहा हूँ नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और मोलरिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, देखो ब्रांडेड लिखा था साजी लग रहा है फर्स्ट टाइम, इसका मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल बाय केजी, नंबर ऑफ मोल बाय लीटर, मैं ये लिखूंगा अभी, ठीक है, मैं ये लिखूँ, मैं बता रहा हूँ जान डालने आया, मैं सिखा थोड़ी रहा हूँ पूरा, है ना, वो तो मैं सिर्फ ना सिखाऊंगा तुम्हें, क्या लिखूंगा मोलरिटी का बता, तो मोलरिटी का पहले बता, नंबर ऑफ मोल्स बाय केजी, मैं अभी ये लिख रहा हूँ, मैं यहाँ असली वाला लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स बाय, तो भाई पहले याद तो कर, उसके बाद नाम बोलते रहना, और नाम ही बोलते रहेंगे याद ही नहीं हुआ, है ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय केजी, और मोलरिटी में क्या हो जाएगा, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स बाय लीटर, सिंपल सा अभी मैं लीटर बोलूंगा, लीटर में रहता है ये केजी में रहता है, इतना ही बोलूंगा, क्लियर, तो पर कंफ्यूजन होता है किसमें लीटर किसमें केजी, होता है कंफ्यूजन थोड़ा सा, दूर कर दे, करूँ कि नहीं, अरे पठान क्लियर करो तो, जिसको पढ़ाया है वो सही बोलते थे, मोलरिटी, ठीक है, अरे तुम देख क्या बोलते हो, तुम लोग कभी लिट्टी चोखा खाया है, लिट्टी चोखा खाया है ना, लिट्टी का कुछ वजन होता है कि नहीं होता है, कुछ ग्राम होता है ना, गोल गोल सा लिट्टी होता है, सुनते बिहार में बहुत ज्यादा मिलता है, लिट्टी और चोखा है कि नहीं है, लिट्टी और चोखा, लिट्टी का कुछ वजन होता है कि नहीं होता है, लिट्टी का कुछ क्या होता है, वजन होता है ना, क्या होता है भाई, केजी में नहीं, लेकिन ग्राम में तो होता है ना, है कि नहीं, लिट्टी का क्या होता है, कुछ वजन होता है, कुछ ग्राम होता है कि नहीं, दिक्कत है, तो मोलरिटी में ग्राम केजी आएगा कि नहीं आएगा, कुछ क्लियर हुआ, रे नंबर ऑफ क्या लीटर, नंबर ऑफ मोल्स बाय
लिट्टी लिखते हैं क्या? लिखते लिट्टी चोखा। क्या लिट्टी चोखा? लिट्टी का कुछ हो जाता है तो मजा। लिट्टी का कुछ वजन होगा तो नीचे में क्या होगा? केजी होगा ना। क्या होगा? केजी। कोई दिक्कत नहीं ना। और मोलरिटी में क्या है लास्ट में? रिटी है ना भाई। लीटर में आर नहीं आता। लीटर देखो आर ही, ये आर नहीं आता। आर आर लीटर भाई। एक याद है दूसरा अपने आप याद ही रहेगा। एक याद रहा दूसरा अपने आप क्या रहेगा? याद ही रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम। मोलरिटी का क्या होगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। वेरी गुड। आप अब फिर क्या कहते जल्दी के में? नहीं ना। नंबर ऑफ मोल्स पर क्या होगा? केजी होगा। क्या होगा? केजी होगा। कोई दिक्कत? तो ये लिट्टी से क्या समझेंगे? कुछ वजन होता है। वजन किसमें नापते हैं? केजी में नापते हैं। किसमें नापते हैं? केजी में नापते हैं। और मोलरिटी जब होगा क्या होगा? मोलरिटी भाई आर आ रहा है ना। लीटर में क्या होता है? आर आता है कि नहीं आता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय लीटर। क्या लीटर? अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होगा क्या मेरे चुटकी? क्लियर हो गया तो आगे चलू। नंबर ऑफ क्या है? एक याद हुआ दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। मोलरिटी में क्या नंबर? अरे तो पांचवा बार लिख रहा नंबर ऑफ मोल्स होगा हर बार। पांचवा छठा बार लिख रहा याद नहीं हुआ आप लोग को? अरे चुटकी बता क्या लिखा रे? क्या याद हुआ बता? मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स बाय केजी। हां वेरी गुड। अब बता रे रोहित के मोलरिटी का बता। मुझे मेरे क्लास में बच्चे सुनते नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है ना। क्योंकि मैं बोलता हूँ मेरा बात मेरा कि यहाँ पे सीख जाओ। घर पे जाके जो बही खाता बना रहे हो ना वो रिलीजन के लिए बना, तो सीख जाओ सब। यहाँ पे घर कंफ्यूजन लेके कुछ नहीं जाना है ना। आगे मैं चलूँ। अब मोल्स पे मोल सिखा दे। मोल फ्रैक्शन एक बार आ रहा हूँ। किस पे आ रहा हूँ? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं सुन लेना, उसके बाद देखना। मोल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? क्या बोला? मोल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? किसको पता है? मोल फ्रैक्शन। क्या बोल? जोर से बोल, जोर से बोल। मोल के टुकड़े। मोल के टुकड़े। हाँ हाँ मोल के टुकड़े। वेरी गुड। मोल के टोटल मोल में। अरे वाह इसका अच्छा कौन सा था? हमें ये 20 मोल था मान लेते हैं, ठीक है? एक 20 मोल था, एक 40 मोल था, है ना। मैं बोलूंगा मोल फ्रैक्शन इसका निकाल। मोल फ्रैक्शन किसका निकाल? इसका निकाल। या ध्यान पर सुन, 20 और 40 क्या बोले? इसका मोल फ्रैक्शन निकाल, इसका निकाल। 40 का बोला मोल फ्रैक्शन निकाल। टोटल मोल कितना है? 60 है ना। यही है मोल फ्रैक्शन। ओहो अच्छा से कोई दिक्कत था सर? बस हाँ बटे कर टोटल को जिसका निकालना भाई। टोटल जिसका निकालना है इस मोल फ्रैक्शन का मैं फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, ठीक है? इसके दिमाग चंचल होते हैं, वो अच्छे दिमाग लगाए तो आगे बढ़ेंगे, नहीं लगाए तो तुम क्रिएट डिस्ट्रॉय की ओर चल जाएंगे। जिसका मोल निकालना है, जिसका मोल निकालना है बाय टोटल मोल, बाय टोटल मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। हाँ मोल फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला बता जरी भाई? जिसका मोल निकालना है बाय टोटल मोल, ठीक है? तो आगे चलू मैं। जिसका मोल निकालना है बाय टोटल, ये तो मोल फ्रैक्शन है। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन है। अब भाई मोल को ही इतना गंदा सब बना के रखेगा, इस सब पे आएंगे तो कहाँ से बनेंगे? अब बोलता है कि ये न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, कहाँ से बनेंगे? मोले को खराब करके रखा है सब, है कि नहीं है? सब जगह मोल ही मोल आ रहा है ना। अब मोले अच्छे से निकालने नहीं जानते तो यह सब कहाँ से निकलेगा? हम कुछ बोलेगा फॉर्मूला याद है ना सर? याद है भैया, ठीक है याद है, उससे क्या हुआ? निकालने आता है। आया था मजा? आगे चलूं। ए ढोकलासी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बोले जरी भाई? इसका मोल निकालना है बाय टोटल मोल। हां वेरी गुड। नहीं नहीं सर जरी भाई को याद हो गया। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? हाँ जिसका मोल निकालना है ना, जिसका मोल निकालना है बाय टोटल मोल। क्या बाय टोटल मोल? कोई दिक्कत है? और ब्रांडेड लैंग्वेज क्या कहते हैं? मोल ऑफ एन ए लिखते हैं, एन ए मोल ऑफ छोटा वाला एन लिख देते हैं, छोटा वाला एन ए, एन ए प्लस एन बी। दिमाग से गया ऊपर है ना? दिमाग से गया ऊपर।
हैं का मतलब क्या बोलेंगे, मोल है, क्या है मोल भाई, ये सीख ले, ये तो अपने आप सीख जाओगे जी, है ना, ये सीख लेंगे ये अपने आप से, भाई निकालने सीखना है, इतना तो पता कैसे निकालना है, मैं ये लिख लिया, ये बता था एंटन का फॉर्मूला है ना, इसलिए नहीं, जिसका मोल निकालना है भाई टोटल मोल है कि नहीं है, कोई दिक्कत किसी को, अब मोल फ्रैक्शन को किससे लिखते हैं, है ना, ऐसे एक्स, अभी नाम बताऊंगा, हाँ ये मैं बोल दिया, पर इसको और भी कुछ अच्छा सा नाम बोलते हैं, है ना, ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोलेंगे ए होगा, अरे दूसरा वाला मेन फ्रैक्शन हो जाएगा ऊपर वाला का मोल बाय टोटल मोल, बस यही हो गया भाई, इतना बड़ा मैं फॉर्मूला लिखूंगा क्या, बस जिसका मोल निकालना बाय टोटल मोल, जिसका मोल निकालना बाय टोटल मोल, आगे चलूँ मैं, इसको दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं ना, इसका मोल निकालना बाय टोटल मोल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भाई मैं लिख के लिखे है, अब भैया वहां बताएं, अरे बोल जी, हमको 20/4 लिखना पड़ेगा, 21/4 लिखना पड़ेगा, तो 5 होल 1/4 फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा, जिसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, ठीक है, ए का मोल लिखेंगे बाय टोटल मोल, अगर मानते टोटल मोल ए और बी है, समझा रहे थे कहाँ रहता है ना, ए प्लस बी ये वो मोल फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन भी बोल रहे हैं ना, फ्रैक्शन आपको बहुत अजमेटेशन करने का भी आ सकता है, तो 4 kg ऑफ एंड टू, 4 kg ऑफ एंड टू है ना, देखता हूँ मोल ध्यान सुने और यहाँ पे प्रूफ मिल जाएगा, 4 moles ऑफ एंड टू इन 2 kg ऑफ सॉल्वेंट, फाइन, अच्छा बताओ मैं यहीं से पता चल जाएगा क्या तुम्हारा निकालने का, चुटकी बताने तो मेरी बता, लिखती है ना, बहुत बढ़िया, कैसे पता चला तुम्हें मोलरिटी दिए हैं, दो केजी दे रखा है, पहले 2 kg दिया हूँ तो किसमें आएगा, तुम लोग क्वेश्चन भी समझ गए, गलत दूंगा तो समझ जाओगे ना, फाइन मोलरिटी इतना समझ में आएगा, है ना, मोल कितना दिया हूँ, है ना, सॉल्वेंट का कितना है, दो ना, ऐसा क्या हो जाएगा, दो है ना मोलरिटी, क्या दिक्कत हुआ सभी, सबका नोट्स कंप्लीटेड होना चाहिए, 2 molarity क्या हो जाएगा, दो, अब सुनना एक बात बोलता हूँ, मैं ऊपर में क्या नंबर ऑफ मोल्स लिखा था ना, किसका मोल्स होता है, सोल्यूट का कि सॉल्वेंट का, हाँ किसका आता है, सोल्यूट का, मैं फिर कोई बोला कि भैया यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स लिखा दिए, सोल्यूट भी होता है, पर वो तो एग्जैक्ट सही फॉर्मूला है, पर मैं पहले भी बोला मैं सिखाना, बस बताने आया हूँ कुछ में चार्टर में क्या डालने आया हूँ, जान डालने आया हूँ, है ना, जब एक्सप्लेन करूँगा तो पूरा करूँगा भाई, एक्सप्लेन नहीं किया फिर भी सब सीख गए, एक्सप्लेन कहाँ किया फिर भी सब सीख रहे हो ना, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अरे सोल्यूट में वर्ड यूज़ नहीं करा भाई, सोल्यूशन नहीं बताया तो सोल्यूट और सॉल्वेंट क्यों यूज़ करूँ, सोल्यूट सॉल्वेंट सिखाया नहीं ना, मैं बनाने सिखा रहा हूँ ना, सीख जाओगे उसके बाद जैसे बता दूंगा ना अपने आप सीख जाओगे, और सबका भी नहीं पड़ेगा मेरा, एक चीज में सर मिश्रा सर कहा करते थे, क्लास जो अच्छे सच में रेगुलर अटेंड किया तो गारंटी उसका 80% बन चुका है, पता है जो क्लास में सबसे अच्छे सुनता है भले नहीं पढ़ाई कर रहा है, पर जो क्लास में एकदम अच्छे सुन रहा है ना उसका 80% तैयारी हो चुका है, जो क्लास में एकदम ध्यान से कुछ भी नहीं कर रहा, बस कहाँ ध्यान हो सर, बोर्ड पर ध्यान, और टीचर क्या बता रहा है और क्या बोल रहा है, बस इसमें 80% तैयारी हो गया है, मतलब 80% लोग सुनते हो क्लास 11-12 में भाई पढ़ता ही नहीं है, कभी कभी इतना अच्छा मार्क्स नहीं आता, आज तक बोलता सब पजल है, वो भाई कोई बात पजल नहीं है, मैं भी 6-7 पढ़ा नहीं करता, पर फिर मेरा हमेशा क्या था टॉप में ही रहते थे, 3 लड़का हमेशा कंपटीशन बस चलते थे, पढ़ना तो मैं 8 से शुरू किया, 6-7 तो ऐसे ही क्लास छुपा छुपा चेक करते तुरंत खत्म हो जाते थे, क्लास ऐसा एक से पूरा सीरियस हो गया, पूरा ज्यादा सीरियस पढ़ाया, हालांकि सीरियस तो मैं क्लास 2 से ही था पढ़ने के लिए, मैं जो असली का सीरियस कहते हैं ना, इसको सच में पढ़ के कुछ करना ही करना है, वो तो मैं क्लास 8 से हुआ, जब मेरा फ्रेंड सबसे हुआ ना तब से शुरू हुआ,
अरे भाई अच्छा तुम टॉप करोगे थर्ड रैंक आओ दिखाते हाओ के मैदान में आगे तो चलो। फिर ऐसा एक बार मैं किसी का हाइएस्ट आने दो तीन सब्जेक्ट में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था इंग्लिश में। अगर मैं चलूँ तो बायो तो खैर एक यही रहता था पर एक बार तो हाइएस्ट आ जाए। एक बार जान के सर ने आधा नंबर हमें कम दे दिया एंड हालांकि मैं उनका बात नहीं माना था इसलिए ऐसा लास्ट में हो गया था प्री बोर्ड के बाद से मैंने लगा हमको समझ लगा बहुत कितना छः टेस्ट से नॉर्मल होते थे ना उदम अभी तो पता नहीं क्या ट्रेन वगैरह चेंज हुए हुए क्या पुराना घाव तो भैया चक्कू पकड़ गई। ठीक है तो अगर मैं बताऊँ तो सर मेरे को भी चेक किया करते थे कि मैं सही बता मेरा आंसर सही है तो मतलब आंसर का आंसर क्या है सही है ना भाई इतना पढ़ रही थी तुम लोग देखते हैं इतना एक आध दो है सीरियस लगभग जो कि मुड़ जाते हो है ना जो भी मुड़ जाते उसका कहाँ से पढ़ पाओगे लास्ट मौका उसका तो थोड़ी मौका मिलने वाला है ना लगभग को तो मुकाम नहीं मिलने वाला है जो सीखना है कॉलेज लाइफ में तो दूसरा पढ़ाई शुरू हो जाएगा हालांकि लिंक रहेगा पर ये फिर मजा थोड़ी ले पाओगे बोल थोड़ी पाओगे से मैं आज बोल रहा हूँ कि भाई मैं जब बनाता था क्वेश्चन में मुझे एक मिनट नहीं लगता था कब बोलो करोगे नहीं कब आगे चलो मैं तो मॉडरेशन बता दिया एक मॉडरेटी में क्वेश्चन दे रहा हूँ है ना 4 लीटर 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 2 मोल ऑफ N2 इन सॉरी बताओ क्या लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोल दिया हो ना 2 है ना लीटर 4 दिया हो ना ऐसा क्या जाएगा मोल तो ये बहुत बहुत पहले बोलते हैं भैया कौन नहीं फिर बोलने के फिर अपने कर क्या बोले नीचे में 1 नहीं लिखना चलेगा पर ऊपर में 1 तो लिखना होगा बाबू एस टू एरर ठीक है आगे चलो आगे चले हम कोई दिक्कत नहीं है ना चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ देखता हूँ कौन बनाता है ठीक है चल बता आंसर बता देते कौन बनाता देखो अब मैं पहले ही ये इससे सॉल्व करा लेता फिर नहीं बनते यहाँ पर अब मैं जिस तरह बताया हूँ एक बार बनने चाहिए क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहे मेरा क्लास सुना नहीं वो सिंपल से मुझसे पहले बात क्या पूछा गया है फाइन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है कि नहीं और डाटा क्या क्या मोलरिटी वगैरह बोला है ना तो मोलरिटी और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है रिलेशन आंसर हो जाएगा इसका 1/28 देखता हूँ मोलरिटी क्या बोला मोलरिटी का हाँ देखते साथ सही हो चुकी है आंसर रखना मोलरिटी का फॉर्मूला क्या नंबर ऑफ मोल्स ठीक है ऐसे भी को दिक्कत है इसको नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू व्हाट हाँ निकालो हम वैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ पूरा फॉर्मूला वॉल्यूम बाय सॉल्यूशन ऑफ इन लीटर है ना इन लीटर आज तो समझो नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये होता है ना ये क्या निकालना वॉल्यूम ही निकालना है ये निकालना है ना तो मोलरिटी दिया हुआ बस मोल निकालेंगे ना बस आंसर इतना आसानी से एक आंसर हो एक बार देखता हूँ मोलरिटी कितना दिया 4 ना मोल कितना हो जाएगा भाई 4 है ना बाय 4 बाय 28 1/7 है ना नंबर ऑफ मोल्स कितना 1/7 बाय बी होगा जो बी यहाँ पे जाएगा मैं बेसिक मैथ में बताया हूँ बहुत गंदा मुझसे अगर नहीं होगा तो बेसिक मैथ में अच्छे से बताया हूँ सारे इधर हो जाएगा ना बी इधर जाएगा तो ये बटे क्या हो जाएगा 28 हाँ वेरी गुड जेरी भाई और चुटकी भाई वेरी गुड क्या बताओ अगर मैं डायरेक्ट यही क्वेश्चन करा लगा फॉर्मूला बता के बनता क्या भाई मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया बट ये अच्छे से बन गया ना है ना यही क्वेश्चन आप बोलेगा क्या अरे बाप सॉल्व नहीं हो रहा है जो कितना आसान था है कि नहीं है भाई एक कड़ियों को तोड़ के बनाऊंगा तभी क्या बनेगा हाथ कड़ियां बनेंगे है ना आगे चलूं मैं हो गया चंदन भाई
अरे बाप नाम लिए बोला है आज खुश हो गया अरे आज जेरी भाई कैसे निकल गया आपका है ना आज आंसर सही बता रहे हो ना नहीं बताया ना कॉन्फिडेंट लगा उसमें ये सब मेरा स्टूडेंट पुराना स्टूडेंट क्या कहना है मेरा मैं गलत हूँ या सही हूँ पर क्या हूँ मैं अपने पे अड़िग हूँ चाहे मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ मैं अपने पे अड़िग हूँ मेरा स्टूडेंट का हर हर में नस नस में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भले वो ओवर कॉन्फिडेंट क्यों ना पर क्या था वो इतना ज्यादा कम है भाई बोलता टीचर बोलता तुम बुरा है तुम्हारे बोलने से क्या होता है रे तुम्हारे बोलने से क्या होता है मैं बुरा मुझे पता नहीं कि मैं अच्छा हूँ भाई दूसरे के बोलने से क्या जा रहा है कि तेरा आंसर सही गलत है तुम अपना आंसर बोलते रहो ना दुनिया का काम क्या है बोलना मेरा काम क्या करना है सुनना और इग्नोर करना बट टीचर का नहीं टीचर का नहीं चल इधर देख है ना कॉन्फिडेंट भाई खुद पे भरोसा गलती होगा सीखेंगे पर भरोसा तो होना चाहिए खुद पर कि मेरा सही है सलाम की एट हो क्लास चलो आगे चलो मैं क्लियर हुआ हर चीज छोटी छोटी बातें अच्छा सा एकदम क्वेश्चन बनाऊं एकदम अच्छा क्वेश्चन सभी को मैं सबको एक मिनट दूंगा ठीक है और एक बात जेरी भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप बहुत तेज हो पढ़ने ओवर ब्रिलियंट मेरा अगला सिंगल टीचर आप हो जेई वाले है ना इस बार लेकिन अगर आप अगर ये हड़बड़ाए ना हड़बड़ाए तो रिजल्ट यहाँ आया ना कुछ नहीं यहाँ नहीं ले जाएंगे यहाँ नहीं ले जाएंगे और यहाँ ले जाएंगे क्योंकि इसके बाबू जी ने क्या कहा है मुझे ज्यादा ध्यान देने आगे मैं चलो चलो इधर देखो अरे सुनो सुनो बहुत अच्छा क्वेश्चन ध्यान से सुनना ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ n टू इज 4 यार मार कर फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो मैं कड़ियों को तोड़ तोड़ के क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर दूंगा लाइन वाला तब फिर मजा आएगा बोला अरे बाप ये क्वेश्चन इतना आसान था फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इफ मोल ऑफ n टू इज 4 मोल ऑफ n टू इज 4 फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ n टू इज 4 फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इफ मोलरिटी इज 4 मोल पर मीटर देखना जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है बड़ा मजा आएगा ये बनाने में मोल फ्रैक्शन ऑफ n टू इज 4 फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इफ मोलरिटी इज 4 मोल पर लीटर मैंने मोलरिटी दे दिया है मोल दे दी मोल फ्रैक्शन दे दिया है ठीक है चल बता मोल इज 10 यही लंबा क्वेश्चन पहले दूंगा तो एकदम बड़ा कहानी होगा तोड़ तोड़ के दिया तो एकदम हलवा से बेहलवा क्वेश्चन हो गया होगा चल एक मिनट दिया सब फॉर्मूला है फॉर्मूले को चल बना 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 एकदम मेरा तरीका एसिडी कॉन्सेप्ट एसिडी व्यू अपनाओ जो कि पूछा गया पहले वो करो अब उसके लिए हिंट जो दिया गया उसको यूज करो हो गया जेरी भाई ले आए देवा वॉल्यूम कितना लाया 160 लीटर ना देखते हैं ठीक है अरे कॉन्सेप्ट सारी चीज इसमें आ जाएंगे लगभग पहले तुमसे पूछा क्या क्या है निकाल ले वॉल्यूम ना और मोलरिटी दे रखा है ना वॉल्यूम और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है वॉल्यूम और मोलरिटी में मोल बाय वॉल्यूम मोलरिटी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम हां मोलरिटी वो क्या होता है मोल बाय वॉल्यूम मोल बाय वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है ना हमको वॉल्यूम भी निकालना है ना
हमको मोलरिटी दे रखा है ना, क्या निकालना है बस मोल ना, बस क्या निकालना है रे मोल निकालना, बस क्या निकालना है मोल। और मोल निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल निकालने के लिए क्या हिंट दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू, एन टू का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एन टू का मैं लिखूंगा तो एन टू बाई टोटल मोल यही होगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू अगर मैं लिख रहा हूँ मोल ऑफ एन टू बाई टोटल मोल, मोल है कि नहीं, कोई दिक्कत है, तो एक्स एन टू में कितना दे रखा हूँ मोल फ्रैक्शन, चार दे रखा है ना भाई, टोटल मोल भी तो मैं दस दे रखा हूँ, एन टू का डायरेक्ट मोल नहीं आ जाएगा, एन टू इक्वल टू कितना हो गया चालीस हो गया, कितना हो गया चालीस हो गया, मेरा मतलब मोल आ गया, आंसर तो आ गया रे, क्या बोले अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिए एकदम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से ये तो मतलब ऐसे ऐसे करना था, अरे मैं तो पहले बोला बस कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करने के लिए भाई, टोटल मोल तो 10 है, 10 से ज्यादा कैसे आएंगे, ऑब्वियसली सही बात है, पर मैं बस बता ना सॉल्व करने के लिए सब चीज सीखे या नहीं सीखे, समझे कि नहीं समझे, सब चीज आ गए ना, टोटल मोल कितना आ गया, इनका मोल 40 मोल आए, कितने मोल आ गए 40 मोल आ गए, अब तुम्हें 40 मोल आ गए तो क्या करूंगा, यहाँ पर 40 रख दूंगा, यहाँ पर 40 रख दूंगा, वॉल्यूम इधर जाएगा, मोल कितना है 40, लीटर कितना दिया हुआ चार, नाम चार मोलरिटी पर उठा गया कितना है 10 मल्टीप्लाई कर दिया चार से आ गया ना, हाँ वेरी गुड है ना, एक बच्चा का डाउट किया है टोटल मोल मैंने 10 ही दिया है तो ये इसका क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन के सर, ऑब्वियसली कि डाटा हम गलत दिए हैं, सिंपल है, मैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया हूँ, ऑब्वियसली डाटा यहाँ पे क्या होगा सॉ लिख दूंगा, अब दिक्कत है क्या, बोला भैया ये तो और बढ़ेगा 400 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 40 बटे 4 किसी लिखे मोल भाई बोलियो ना, हाँ मोल भाई बोलियो, समझे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिया था, आपने अगर अटक गया कि भैया 40 से ज्यादा, मैं तो बोला खुद से क्वेश्चन बना के दिया बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अब हुआ क्लियर हुआ रे सब, आया तो मजा ना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा चुटकियों में हो जाएगा, इसका आंसर 10 है, हाँ 10 है, अल्लाह के लड़का जो है ना पहले से सुधरा हुआ, इसको क्या सुधारेंगे हम, है ना, हम क्या सुधरे पूरा दुनिया ही बिगड़ गई, बिगड़े ही कब थे, सही बात तो सुधरेंगे है कि नहीं, अगर मैं चलूँ तो क्वेश्चन क्वेश्चन अब सुनना, अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूँ, एक रुपया में पहले क्वेश्चन दे रहा था, कौन कौन बना पाते हो भाई, एक दिन मैंने बताया था ऐसे ही है ना, एन टू प्लस एस टू कौन सा प्रोसेस है रे, वेरी गुड, कौन सा प्रोसेस है, हैवर प्रोसेस, उस दिन मेंशन किया था नहीं कौन सा प्रोसेस बोलना है, फिर वही बात बोल रहे हैं गलत गलत हर बार, हैवर प्रोसेस यही चीज से रिलेटेड बढ़ता है ना, दूसरी चीज से हैवर कौन सा प्रोसेस है, ये हैवर प्रोसेस एन टू प्लस एस टू कौन सा प्रोसेस है, हैवर प्रोसेस है ना, कौन सा प्रोसेस है, हैवर प्रोसेस, मैं बोला था उस दिन एक पता था एक दो जन, ओस्टवाल प्रोसेस किसके लिए होता है, एक ही मैं करके याद कराते जाऊंगा, ओस्टवाल प्रोसेस किसके लिए होता है, ओस्टवाल प्रोसेस या कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट प्रोसेस लास्ट तक मैं आप लोग को बताना है तो फिर मैं बता दूंगा, ऑस्ट्रल प्रोसेस और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, दोनों किसके लिए होता है याद रखना है, और नहीं फिर दूसरा आंसर आएगा ध्यान देना है, ऑस्ट्रल प्रोसेस किसके लिए होता है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, अभी आज ये बताऊंगा, एन टू प्लस सी एस टू एन एस थ्री, ये अगर चार मोल है, ठीक है सुनना, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट वगैरह होता है, क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं, अभी वो सब नहीं देखना, मैं अभी क्या सिखा रहा हूँ बस निकालने सिखा रहा हूँ, यहाँ का एक कॉन्सेप्ट क्या आता है लिमिटिंग रिएजेंट, भाई अभी रहने दो उसको, मैं पहले सीख ले, मैं फिर बोला चैप्टर में क्या डालने आया हूँ, जान डालने आया हूँ, समुद्र से कुछ निकाला हूँ उसको तालाब में लाऊंगा फिर सिखाऊंगा, फिर तालाब में सिखा क्या भेजूंगा समुद्र में, पहले लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट भूल जाना, अगर किसको आता है तो मैं बताऊंगा एकदम अच्छे से बताऊंगा, है ना एकदम अच्छे से बताऊंगा, इतना हल्का की लगेगा जो इतना बताया था एक लाइन में बताऊंगा, कितना लाइन में एक लाइन में बताऊंगा, पहले सीख ले उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट बताऊंगा, ठीक है आगे चलूँ मैं, एन टू प्लस थ्री एस टू टू एन एस थ्री, टू एन एस थ्री अगर ये दो मोल है, ये अगर कितना दो मोल है ये कितना मोल बनेगा, ये क्वेश्चन है मेरा, ये दो मोल है चुटकी और टॉम भैया जी बताइए बताइए आंसर दोनों बताइए, ये दो मोल है, अरे वैसे ही बता दो ना, दो मोल ऑफ एन टू है जो जो उस दिन क्लास में था ना ऑफलाइन वाला में, अगर नहीं आंसर बता फिर मैं उससे बताऊंगा, टू मोल ऑफ एन टू है तो एन एस थ्री कितना मोल बनेगा, टू बाय टू एन टू, एन टू दो मोल ना, एन टू मोल तो एन एस थ्री कितना,
आप क्लास में ऑफलाइन में था क्या उसे पता नहीं है चले गए चले गए ए क्या हो गया छुट्टी और टॉम आज मैं सब चीज सिखाया और लास्ट में एकदम हलवा वाला पूछा आप लोग से तो कर एकदम इजी से भी इजी है मुझे तो आप मुझे तो आप ही पे ध्यान अब रखना है मैं पता चल गया मेरा टॉपर वही डिसाइड करेगा एक ही आ रहा है दो बन रहा है दो में चार बनेगा ना चार जो जो क्लास है ना मैं क्लास के बाद उससे मिलता हूँ आपने ही किया अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मैं मिलता हूँ उससे हालांकि इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको कुछ सिखाने कुछ सिखाऊंगा आपसे मिलता हूँ इतना सा कौन सा रात में मैंने दिया और चलो चल इधर देखो एक रुपया में दो पेन दिया मेरी सब देख ले एक रुपया में कितना पेन दिया दो पेन दिया है ना तो दो रुपया में कितना पेन मिलेगा अब भाई यही बात हम केमिस्ट्री में पूछते हैं तो क्या हो जाता है यही बात केमिस्ट्री में पूछते क्या हो जाता है ये तो समझ आया कि नहीं पहले अब इसको समझा रहा हूँ कैसे निकालते ठीक है एक रुपये में कितना पेन दो पेन तो दो रुपये में कितना पेन होगा चार पेन ठीक है दो रुपये में कितना पेन होगा चार पेन सुना ध्यान से एक रुपये में एक किट कैट ये हमारे जेरी भैया बेचते हैं एक रुपये इसको तो लेना है कॉमेंट करके उसके पास चार रुपया में बता चार रुपया में कितना किट कैट एक रुपये में किट कैट चार रुपये में कितना चार किट कैट वो दिक्कत नहीं ना चार बटे दो रुपये में एक पेन तो आठ रुपये में कितने पेन चार 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 चार, चार पेन चार दो रुपये में एक पेन तो आठ रुपये में चार पेन चार पेन मैथ ए चार बोले मैथ क्या बायोलॉजी वाला एक बोला आठ बोलेगा कैसे चलो बोले ना क्लियर है सब तो इसके लिए एक अच्छा तरीका बता दो मानते हैं वन टू का है पर देखो केमिस्ट्री कैसे यूज कराएंगे देखना केमिस्ट्री में कैसे यूज कराते हैं इस चीज को ठीक है यही चीज है ना मैं क्या लिखूंगा इधर अगर पैसा लिख रहा हूँ तो इधर भी क्या लिखूंगा पैसा सुनना पैसा इज इक्वल टू पैसा बाय जो भी वस्तु लिखेंगे वो वस्तु ये फॉर्मा एसीडी फॉर्मा मान के चलो एसीडी कौन सा छोटा फॉर्मा पर इतना जबरदस्त है ना हर जगह देखना कितना काम देगा पैसा इक्वल टू पैसा बाय वस्तु इक्वल टू वस्तु क्या लिखेंगे पैसा बाय वस्तु ठीक है इक्वल टू पैसा बाय वस्तु हर जगह एप्लीकेबल मिलेगा यूट्यूब मेथड वगैरह रिएक्शन वगैरह कहाँ का खासकर रिएक्शन में जो बड़ा बड़ा बोलता है ना केमिस्ट्री वाला में दिखाते हैं एक रुपया कितना पेन दो पेन ना एक रुपया है ना एक रुपया पैसा लिखा वस्तु कितना है मिला उसमें दो मिला है ना दो लिखा अब कितना रुपया बोला दो रुपया बोला था यहाँ पे क्या लिखूंगा दो रुपया ऊपर रुपया वस्तु को एक्स मान लूंगा एक्स इधर पर कितना होगा चार आया कि नहीं समझ में चीज दिक्कत किसी को नहीं ना दिक्कत क्या बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए मैं बोलूंगा चार रुपए में पांच पेन बता भाई दो रुपए में कितना पेन हाँ अरे कॉन्सेप्ट क्या बोला मैं बता तो पांच आर एस है ना पांच पेन दे रहा है ठीक है तो मैं बोलूंगा तीन रुपया में कितना पेन अरे वो चीज सीख गए मैं वो चीज जो सिखाने से वो चीज बोल रहा हूँ पहले क्या लिखूंगा पांच बाय क्या लिखूंगा लिखने सिखा रहा हूँ आंसर वो नहीं बता पांच बाय क्या लिखूंगा यहाँ मैं भाई पेन लिखूंगा है ना अभी इधर क्या लिखूंगा कितना रुपया पूछा है तीन रुपया पूछा है यहाँ पे क्या लिखूंगा पेन एक्स मान लूंगा क्या मान लेंगे एक्स ही लिखने सिखा रहे हैं है ना ये लिखने सीखा को बहुत काम हो जाएगा ये तो सबको आता है यही आप अगर ये चीज अगर इसमें अप्लाई कर पाते तो केमिस्ट्री का सब कुछ समझ नहीं रहता रिएक्शन वाले अभी तो मैं वही पूछा था नहीं अप्लाई कर पाए इसका सीख इसको क्या सिखा रहे आया तो समझ में फिर मैंने छह होम में दस पेपर रहते कितने पेपर रहते हैं दस पेपर तो बताएंगे एक होम में कितने रहते क्या बताएंगे एक होम में मैं छह बाय क्या लिखूंगा दस है ना ऊपर होम लिखा ऊपर में क्या लिखा एक होम में कितना एक्स एक बटे एक्स लिखना सीखना है बस लिखना सीखना है सीखा तो एकदम अच्छे से छह एप्पल ठीक है छह एप्पल
पांच मैंगो के इक्वल है, ठीक है, कितना पांच मैंगो के इक्वल है, तो तीन एप्पल, कितना एप्पल, तीन एप्पल, कितने मैंगो के इक्वल है, छह एप्पल बटा पांच मैंगो, छह एप्पल बाय पांच मैंगो, उसके बाद तीन एप्पल बाय एक्स मैंगो, एक्स निकालना है कि नहीं है, पांच मैंगो है ना भैया, छह एप्पल बाय, छह एप्पल बाय पांच मैंगो किया ना, तीन एप्पल बटे एक्स, बस लिखने सिखा रहा हूँ कैसे लिखूंगा, इधर ऊपर में पैसा, इधर ऊपर में क्या रहेगा पैसा, नीचे वस्तु, नीचे क्या रहेगा वस्तु, आए समझ चीज अप्लाई करूँ, चल इधर देखा कहाँ गया यार, ये सब क्वेश्चन में बड़ा मजा आता है, n2 plus s2, ठीक है, 2ns3, क्या लिखा हूँ, 2ns3, ये भूल गया, सुना ध्यान से, अब सुना, मैं क्वेश्चन जो दिया था, अब देखना कैसे उड़ेगा वो क्वेश्चन, ठीक है, सुनना, उड़ गया ना, अभी यहाँ पे कुछ नहीं, कितना मोल है, कुछ नहीं, एक है ना, एक मोल में कितना मोल बन रहा है, दो ना, एक बटे क्या लिखेंगे, दो, है ना, और n2 का मैंने कितना मोल दे रखा था, दो ना, यहाँ ऊपर में n2 का ही लिखेंगे, तब 2 by x, तो x दे रखा कितना हो जाएगा, 4 मोल ना, लिखने सीखे थे, समझे तो सावित्री करो, देखो इधर कितना मोल है एन टू का, एक एक मोल में कितना मोल बना है, दो मोल बना है ना, एक मोल में कितना बना है, दो मोल बना है, कितना मोल बना है, दो मोल बना है, ये फॉर्मूला लिख ले भाई सबके, अरे तो और बढ़िया बन गया, एक मोल में कितना बना है, दो मोल, भाई तो जबरदस्त बन गया यार, चलो एक मोल में कितना बना है, दो मोल बना है, तो दो मोल में क्या बनेंगे, दो मोल में कितना बनेगा एक्स, ये सबसे बेस्ट है, एक मोल में कितना बना है, दो मोल बना है, दो मोल में कितना बनेगा एक्स, आंसर क्या होगा, इक्वल टू 4, ये तो मस्त बना रही है, चल इसको लिख ले, एक मोल में कितना बना है, दो मोल बना है, एक बटे दो इक्वल टू दो मोल में कितना बनेगा, दो मोल में कितना बनेगा, संतरे को चार टुकड़ा मार दो, वही फॉर्मूला है, एसिडिक कंसेप्ट, हां एसिडिक कंसेप्ट, आज समझ लो, वेरी गुड जेरी, तेरे कारण बनाई, अगर तू नहीं बोलता सोचते नहीं, चलो वेरी गुड, तो क्या लिख देंगे फॉर्मूला, एक मोल में लाइन को ही बना दो फॉर्मूला, एक मोल में दो मोल बना है, कितना मोल बना है, दो मोल बना है ना, इज इक्वल टू दो मोल में, किसमें, दो मोल में कितना मोल बनेगा, कितना मोल को क्या बोल देंगे x, कितना मोल बनेगा x मान लेंगे, यही है फॉर्मूला भाई, कितना आसान, एक मोल में दो मोल बनेगा, दो मोल में कितना मोल बनेगा, है ना, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आया था मजा, अरे मजा नहीं आया, करे जी ला के बोलो, थोड़ा मजा आया कि नहीं, ठीक है, ठीक है, अब दू क्वेश्चन, अब उड़ेगा क्वेश्चन, H2, Cl2, 2SCl, ठीक है, H2Cl2 plus 2S2Cl, ये अगर चार मोल है कितना मोल बनेगा HCl, HCl कितना मोल बनेगा, चलो बताओ, चार में दो बन रहा है, एक में दो बन रहा है, आठ बने, कितना बनेगा, आठ बनेगा, कितना बनेगा, एक, कितना, एक, आठ ना, अरे पगले, एक मोल में कितना बन रहा, दो, अभी क्या फॉर्मूला लिखा था, एक मोल में कितना मोल बना है, दो मोल बना है, कितना मोल बना है, दो मोल बना है, तो आई स्क्वायर टू क्या लिखेंगे, चार मोल में, चार मोल में कितना बनेगा, एक्स बनेगा, है ना, इतना आसान हो जाएगा, एक्स पर चले, इतना आसान फॉर्मूला कहाँ से देंगे तुमको ढूंढने के लिए, इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता, आए कि नहीं समझो अच्छे से एकदम, एकदम बोलेंगे इसको क्लियर करें, तो लाइन है फॉर्मूला बन गया, हिंदी वाला क्या बन गया फॉर्मूला, एक मोल में दो मोल बनेगा इक्वल टू चार मोल में कितना एक्स बनेगा, हाँ बस बिजनेस मैडम सिंपल से दिक्कत है किसी को नहीं ना, देखा आया तो समझ में, एक क्वेश्चन दे, ठीक है सुनना, आई डोंट हैव सुनना, एच टू अब चार मोल है, कितना मोल है, चार मोल है, कितना मोल है, चार मोल, बताओ एन एस सी कितना मोल बनेगा, कितना में कितना बन रहा है, तीन बटे क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे, तीन में कितना बन रहा है, दो बन रहा है, चार में कितना बनेगा, आठ बाई तीन, अब आए समझ में क्या बोले, कितना में कितना बन रहा है, इतना में एक्स बनेगा, ठीक है एकदम अच्छे से आए क्लियर,
आएगा मजा आना यार, इतना आसान होते सारे कॉन्सेप्ट है ना। वो अथा करके बता दो गाथा हो जाता है क्या चुटकी, अथा करके बताएंगे क्या हो जाएगा गाथा है ना, कथा कम करना है कर ज्यादा किसका मैं दिया हूँ आप सुने किसका दिए हैं हम H2 और NH3 का पूछे हैं, H2 का चार दिया जाते हैं ध्यान नहीं दोगे कैसे हो, NH3 का मैं पूछा हूँ, NH3 हर बार पूछ रहा हूँ मैं, H3 पर दिया होना है कितना में कितना बन रहा है, 3 में कितना बन रहा है 2 बन रहा है ना, मैं 3 बटे 2 लिखा ना, अब बोल रहा है 4 मोल दिया तो कितना बनेगा 4 बटे x।